यस यश, एक वन सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट. यस बोलो, क्या डाउट है? मैम, वो वार्निंग मैसेज इफ एंड एल्स वाले स्टेटमेंट में, ठीक है, वो ले लेते हैं पहले. एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ पूछना है कल की क्लास से रिलेटेड? ओके, सो एक काम करो यश, जस्ट पेस्ट योर कोड वंस चैट बॉक्स में. अपना कोड पेस्ट कर दो. एक्चुअली आई यस डोंट मैम। हैव द कोड, आई थिंक. मैम ओपनिंग द आर इन अ मिनट। ओके, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्विच ऑन योर कैमराज प्लीज. सुमेधा, सुरभि, यश, मुस्कान, हेमंत, भूमिका, वृंत, राशि, आंचल, देवेश, एवरी वन. मैम, वेन विल यू एक्सप्लेन इम्पोर्टिंग ऑफ फाइल्स फॉर मैक? वंशिका, आई विल कीप अ क्लास मे बी फॉर ऑल द मैक यूजर्स मे बी टू नॉट टूडे, टुमोरो. टुमोरो और डे आफ्टर आई विल कीप अ क्लास फॉर मैथ स्टूडेंट्स. Mom, so will be used in porting of files today. तुम्हारा आवाज नहीं आया मुझे. नो In today's class, will be used in porting of files. नो 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 यस यश, भेजना अपना कोड मुझे. I did with this code also receiving the warning message. Okay, this code which you have used, Ritika, I think this is the same code which almost the same code which Yash used. So I'll show you कि इसमें क्या problem है. करते हैं इसको solve. One second. मैम, आर इज टेकिंग टाइम टू ओपन, सो कैन यू जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, जिसने भी कोड भेजा है इट्स समवॉट लाइक योर्स ओनली, बट सब लोग अपना कैमरा ऑन करोगे अभी. इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार ओके, सब लोग अपना कैमरा ऑन करोगे बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी एवरी वन अनलेस एंड अंटिल यू स्विच ऑन योर कैमरास. मुझे ओके, ग्रेट. चलो, सो बेसिकली इसने मुझे कोड भेजा है, आई थिंक ऋतिका ने. And this is the code. अब समझते हैं कि इसमें एरर क्या आ रहे हैं. ठीक है, इसको ओके. देखो इसमें क्या होता है, इफ यू सपोज क्रिएट दिस फंक्शन कॉल परफॉर्म. फंक्शन ठीक है, फंक्शन इज नॉट रॉन्ग. इफ यू जस्ट सी दिस इफ स्टेटमेंट,
इफ स्टेटमेंट इज नॉट नॉट रॉन्ग, इफ स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 80 तो वेरी गुड, इफ इट इज लेस देन, मतलब ये पूरा कंडीशंस जो है एकदम सही है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यश रोट. उसका खाली एक चीज डिफरेंट था, उसने स्टार्ट आई थिंक 30 से करा था, या फिर अगर 80 से भी करा था इट वॉज समवॉट लाइक दिस. बट इसमें भी यू विल गेट एन एरर, आप खाली अगर 50s में लिख के करोगे तो आपका आ रहा है आंसर ओके, बट अगर आप इसमें ऐसे करोगे, इफ यू विल पुट इन मोर देन वन वैल्यूज, तो इसमें एक एरर है. अब इस एरर को समझते हैं, वार्निंग. इनफैक्ट वार्निंग में क्या बोल रहे हैं, दैट इफ इन इफ ये वाला चीज, मतलब कि यहाँ पे आफ्टर दिस द कंडीशन हैज द लेंथ ऑफ ग्रेटर देन वन एंड ओनली द फर्स्ट एलिमेंट विल बी यूज. अब इसका क्या मीनिंग है, मैंने अपने क्लास में इफ एल्स यूज करा था, इफ यू ऑल रिमेम्बर मैंने अपने क्लास में इफ एल्स यूज करा था, राइट. इसमें क्या होता है ना कि अगर आपका ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर आप इधर आ जाते हो नेक्स्ट कंडीशन में, एंड इफ यू सी दिस इज इंटायरली इन वन सिंगल ब्रैकेट, राइट. तो अगर आपका ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ तो आप दूसरे में आ जाओगे, फिर आपका ये नहीं सेटिस्फाई हुआ तो तीसरे में आ जाओगे, एंड सो ऑन. नाउ दिस कैन हैपन, दिस फंक्शन, दिस इज वन फंक्शन, ठीक है, दिस इज वन इंटायर, ये पूरे को हम मानेंगे कि ये पूरा सिंगल फंक्शन है. तो जब इसको हम, या फिर एक स्टेटमेंट आप बोल सकते हो, इफ स्टेटमेंट है, इस पूरे को हम जब इसके अंदर डालेंगे, फंक्शन स्टेटमेंट के अंदर, फंक्शन के अंदर डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है ये पूरा चीज, तो इसमें क्या होगा ना, इसमें ये पूरा एज अ सिंगल फंक्शन, सिंगल स्टेटमेंट रीड होगा. नाउ दिस इज अ लिटिल टेक्निकल, आप लोग को ये चीज डेप्थ में समझने का जरूरत नहीं है, थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है, दिस इज समवॉट रिलेटेड, तो जिनको थोड़ा पाइथन आता होगा उनको आई थिंक थोड़ा समझ में आएगा ये चीज, कि जब आप यहाँ पे एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, ठीक है, अब ये सिंगल आर्ग्यूमेंट यहाँ यहाँ सब जगह यूज हो रहा है, सो आई कैन यूज इस सिंगल आर्ग्यूमेंट में आते एक सिंगल वैल्यू, या फिर आई कैन यूज अ एंटायर वेक्टर, राइट. मेरा ये दोनों में काम कर रहा था, बट इन योर केस जो तुम लोग ने लिखा है, यश ने एंड रितिका ने, इट इज लाइक दिस, आपने इफ एल्स नहीं यूज करा, आपने इफ और एल्स अलग अलग यूज करा है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन. इसमें क्या होगा ना, यहाँ पे क्योंकि इन लोग जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ये पूरा है, इसको जस्ट एज अ सिंगल आर्ग्यूमेंट रीड करेंगे, सिंगल वैल्यू, एंड इसका पूरा कंप्यूट कर लेंगे. बट जब सेकेंड वैल्यू आएगा, वो सेकेंड वैल्यू के लिए ये पूरा चीज वापस से रन नहीं होगा, क्योंकि वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा कोड. जैसे मैंने पहला नंबर था मेरा 67, ठीक है, 67 इज व्हाट, 67 इज लेस देन, यहाँ आना चाहिए, गुड आना चाहिए 67 के लिए. जैसे द मोमेंट ये गुड आया, द फंक्शन ब्रेक्स, ये जो else है इसके बाद कंटिन्यू नहीं होगा, सो ये पूरा फंक्शन ब्रेक हो जाएगा, ये सेकेंड वैल्यू नहीं ले पाएगा. इसके लिए हम कुछ सीखेंगे, विच इज लूपिंग, जो हम लोग सीखेंगे क्लास, नेक्स्ट क्लास, नॉट दिस क्लास, नेक्स्ट क्लास वी लर्न लूपिंग, कि आपको अगर एक ही टास्क को बार 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 करना है, सो उसके लिए वी यूज लूपिंग. तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक्चुअली इफ और एल्स अलग अलग है, तो इसीलिए एक क्या होगा, जब यहाँ पे आपका रुक गया, लूप रुक गया, खत्म हो गया, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा, एंड दैट इज वाई यू आर गेटिंग एन एरर इसके बाद, कि अब इसके बाद वो प्रोसीड ही नहीं कर रहे, सो इट विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद द सेकेंड वैल्यू. मेरे केस में व्हाट आई डिड इज आई सिलेक्टेड, आई यूज्ड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है. तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा ना, ये पूरा एक सिंगल स्टेटमेंट के जैसे रीड होगा, तो यहाँ पे इसीलिए यू विल नॉट गेट एनी एरर. एक्चुअली दिस इज नॉट एन एरर, दिस इज जस्ट दैट कि आपका खाली एक ही वैल्यू यूज होगा, नॉट मोर देन दैट. क्लियर है यश एंड रितिका? आई थिंक रितिका ने भेजा है, यस ओके, इज इट क्लियर यश एंड रितिका? व्हेन वी लर्न, मैम व्हाई इन योर कोड इट इज टेकिंग अ वेक्टर, वापस मैम वेक्टर क्यों यूज हो रहा है मैम उसमें?
मतलब दोनों सेम ही तो चीज है, इफ वही एल्स तो मैं एंड। समझा रही हूँ, वही मैं समझा रही हूँ, सेम चीज नहीं है। दोनों से आउटपुट सेम आ रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि फंक्शन सेम हो गया। हर फंक्शन का एक यूज होता है ना, जैसे यहाँ पे दिस इज रेड एज इंटायरली वन सिंगल स्टेटमेंट, तो इसमें इफ आई पास एन की जगह पे काफी सारा वैल्यूज, इट विल बी टेकन, ऑल द वैल्यूज विल बी टेकन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये देखो अलग अलग है, इफ एल्स। अब देखो ये पूरा सिग्निफाइड है, ये दिख रहे हो ब्लू में है अलग अलग, सो दीज आर ऑल डिफरेंट फंक्शंस। इट विल जस्ट टेक वन वैल्यू एंड द स्टेटमेंट विल ब्रेक, इट विल नॉट कंटिन्यू विद अदर वैल्यूज। दिस कैन बी डन यूजिंग लूपिंग, हम लोग करेंगे टुमारो, इन टुमारोज क्लास। ठीक है, Which one we should use? यू शुड सी, हम लोग जनरली ये वाला सीखते हैं। अगर आपको खाली एक ही कंडीशन पास करना है, इन द सेंस कि अगर आपको खाली वैल्यू इफ ट्रू चाहिए या फिर एक ही कंडीशन पास करना है, सो यूज दिस। ठीक है, बट इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू यूज दिस। मैंने कल भी क्लास में बोला था, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक्सेल के जैसा है। अगर जब आप लोग एक्सेल सीखोगे, या जिनको एक्सेल आता है, ये पूरा एक्सेल में जो हम लोग नेस्टेड इफ यूज करते हैं, ये पूरा एग्जैक्टली उसके जैसा है। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज समथिंग विच इज ईजी टू इंटरप्रेट। आपको देख के समझ में आएगा, बताओ कि विच इज सिंपल, ये वाला चीज इसमें इतने सारे ब्रैकेट्स हैं, फंक्शन है, या फिर ये वाला चीज जहाँ पे यू जस्ट यूज मे बी सिंगल ब्रैकेट एंड उसके अंदर यू कंप्लीट द एंटायर इफ एल्स स्टेटमेंट। सो इट्स ऑलवेज ईजी टू यूज सिंपल थिंग्स जो इजियर टू इंटरप्रेट है। क्लियर है? यूज तो वो भी कर सकते हैं, बट यहाँ वहां पे एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं होगा। ठीक है, जनरली यू विल सी दैट यू आर यूजिंग दिस वन ओनली, ये आपको हर जगह मिलेगा। ओके, मूविंग ऑन, किसी और को भी डाउट है, इम्पोर्टिंग का मैं इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग मैं करा दूंगी इन कमिंग क्लास। एनी वन एनी थिंग एल्स, और कैन वी प्रोसीड विद टूडेज टॉपिक्स? ओके, सो लेट अस मूव अहेड नाउ। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू स्विच ऑन योर कैमराज। मेरे आई कांट सी ऑल ऑफ यू, वी आर 39 पीपल एंड जस्ट मे बी 10-11 लोगों ने अपना कैमरा ऑन कर रखा है। ओके, सो नाउ दिस टॉपिक्स विच आई विल स्टार्ट विथ, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। 15 मिनट्स में मैं आपको ये वाला टॉपिक करा दूंगी, देन वी मूव टू द अदर टॉपिक्स। सो दीज आर सम फीचर्स, यू कैन से अबाउट फीचर्स आर नॉट एग्जैक्टली फीचर्स, बट समथिंग, सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विच आर देयर विच यू शुड नो फॉर आर प्रोग्रामिंग। आपसे एक्सप्लिसिटली कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट मे बी इफ यू गो फॉर एनी इंटरव्यूज, तो आपसे पूछ लिया जाए, या फिर अगर आप बोलते हो कि आपको आर प्रोग्रामिंग आता है, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए आर के बारे में। एग्जाम्स में एक्सप्लिसिटली कहीं पूछा नहीं जाता है, बट इंटरव्यू में भी बहुत पूछ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर। बट ऑल्सो इफ यू नो आर, यू शुड नो ऑल ऑफ दीज एज वेल। तो खाली ध्यान से आप लोग को सुनना है, कुछ नोट्स बनाने का जरूरत है नहीं, कुछ करने का भी जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज देयर इन द पीपीटी, यू जस्ट हैव टू सी व्हाट आई एम डूइंग। एकदम ध्यान से देखो खाली क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। ठीक है, सो व्हेन वी ओपन एन आर सेशन, इट इज नोन एज, देखो अगर आप जब आर खोलते हो, सॉरी, जब आप आर ओपन करते हो, तो देखना ऊपर में लिखा हुआ आता है ओपनिंग आर सेशन। जिनका लैपटॉप थोड़ा स्लो होता है, उनके में लिखा हुआ रहेगा ऊपर में ओपनिंग आर सेशन एंड इट माइट टेक सम टाइम, राइट? इफ योर लैपटॉप इज रियली फास्ट, तब वो एकदम तुरंत ओपन हो जाता है। बट दिस थिंग व्हेन यू ओपन, दिस एंटायर आर स्टूडियो व्हेन यू ओपन, दिस इज नोन एज अ इंटायर आर सेशन। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम ओपन करो तब ध्यान देना। देन टू स्टार्ट अ न्यू सेशन, बेसिकली व्हाट इज अ सेशन? अ सेशन इज जहां पे आपको कंसोल दिखता है, आप आर स्क्रिप्ट ओपन कर सकते हो, आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट विंडो है, आपका प्लॉट्स का एरिया, दिस इंटायर थिंग इज अ सेशन। अब अगर आपको न्यू सेशन ओपन करना है, व्हाट डू आई मीन बाय न्यू सेशन? न्यू सेशन मतलब न्यू आर का पूरा आपको इंटरफेस ओपन करना है वापस से आर स्टूडियो का। सो अगेन कैसे कर सकते हो, यहाँ जाओ फाइल में,
फाइल में जाओ एंड यू विल गेट 1 सेकेंड. हाँ, तो अगर आपको न्यू सेशन वापस से ओपन करना है, सपोज आप लोग वर्ड यूज किए होंगे कभी, वर्ड वर्ड, तो हम लोग वर्ड फाइल जब ओपन करते हैं, दिस इज वन न्यू वर्ड फाइल विच ओपन अप. मुझे एक और वर्ड वर्ड फाइल ओपन करना है, आई विल क्लिक ऑन कंट्रोल एन एंड एक नया वर्ड फाइल ओपन हो जाएगा जस्ट एग्जैक्टली इन द सेम मैनर. ये मेरा एक आर स्टूडियो, अगर मुझे एक नया आर स्टूडियो ओपन करना है तो मैं यहाँ जाऊंगी सेशन में एंड आई विल क्लिक ऑन न्यू सेशन एंड यहाँ पे देखो एक न्यू सेशन विल कम अप. सो दिस थिंग, दिस एंटायर थिंग इज नोन एज अ आर सेशन. क्लियर है? अभी मेरे लैपटॉप में कितने आर सेशन ओपन है? टू. ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर सेशन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू कैन ओपन एन ओल्ड वर्क स्पेस यूजिंग सेशन लोड वर्क स्पेस फ्रॉम द मेन्यू और यूजिंग द ओपन आइकन. सो बेसिकली व्हाट्स अ वर्क स्पेस? दिस इज अ न्यू सेशन विच आई हैव ओपन, दिस इज द करंट सेशन विच आई एम वर्किंग इन. अब इस सेशन में देखो क्या क्या है. ये मेरा ग्लोबल एनवायरमेंट में सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. यहाँ पे हिस्ट्री टैब में मेरा सारा हिस्ट्री है. ये मेरा यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक स्क्रिप्ट ओपन है, कोई भी स्क्रिप्ट ओपन है, कंसोल है, प्लॉट से सब कुछ है. अब आपको ये वाला चीज एज इट इज सेव करके रखना है फॉर फ्यूचर, राइट? तो दो तरीका होता है, समझो. जब आप इसको क्लोज करते हो आर को, तो ये आपसे कुछ पूछता है, सेव वर्क स्पेस. व्हाट इज दिस वर्क स्पेस विच वी आर टॉकिंग अबाउट? दिस वर्क स्पेस इज ये वाला हिस्ट्री वाला जो पूरा हमारा टैब है, हमारा जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट इज नोन एज द वर्क स्पेस. एंड दिस जो भी आपका ओपन रहेगा यहाँ पे, अभी तक आपने तीन चार बार आर स्टूडियो आई होप खोला ही होगा. अगर आपने इस पे हमेशा से सेव पे यस क्लिक करा है, यस क्लिक करा है या सेव क्लिक करा है, सो नेक्स्ट टाइम एनी ओपन आप देखना हमेशा वो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं. हिस्ट्री टैब में सारा कमांड्स रहता है, यहाँ पे फंक्शंस रहते हैं. ये आपने नोटिस किया होगा, यस और नो? ये आपने किया होगा नोटिस, राइट? तो दिस वर्क स्पेस इज व्हाट, दिस वर्क स्पेस इज एक्चुअली ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अब वो कहाँ स्टोर होते हैं वो हम लोग अभी करेंगे, बट दिस एंटायर सेशन कंटेन्स अ वर्क स्पेस. एंड व्हाट इज दैट वर्क स्पेस? दिस ग्लोबल एनवायरमेंट विंडो, हिस्ट्री टैब एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अब आपको ये वर्क स्पेस एक्सप्लिसिटली कहीं और सेव करना है, कहीं और अगर आपको सेव करना है एक्सप्लिसिटली, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको सिंपली सेशन में जाके आप इसको सेव वर्क स्पेस एज करके जहां पे भी आपको सेव करना है आप कर सकते हो. तो उसमें क्या सेव होगा पता है? उसमें ये ग्लोबल एनवायरमेंट विंडो, उसमें ये हिस्ट्री टैब, ये सब कुछ सेव हो जाएगा. अदरवाइज अभी तक आप क्या करते थे, हमेशा इसको सेव करते थे, स्क्रिप्ट को सेव करते थे ना, ये सब को नहीं सेव करते थे. बट वेन यू सेव अ वर्क स्पेस विच इज सेशन, सेशन में जाओ, सेव वर्क स्पेस एज में जाओ एंड यू कैन सिंपली सेव द एंटायर सेशन. एंड देन अगेन वेन यू ओपन, वेन यू वॉन्ट टू ओपन एन एग्जिस्टिंग सेशन जो आपने सेव कर रखा है, कैसे करोगे? सिंपली यहाँ जाओ, एनवायरमेंट टैब में यहाँ पे देखो ये वाला आइकन आ रहा होगा फोल्डर जैसा, इसमें लिखा हुआ है लोड वर्क स्पेस. अगर आप इस पे क्लिक करोगे सो इट विल आस्क यू आपको कहाँ से ढूंढना है, आपको कहाँ से वो सेशन निकालना है एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ओपन एंड यू कैन ओपन एंड वो सब कुछ लोड हो जाएगा. द ग्लोबल एनवायरमेंट विंडो, द हिस्ट्री टैब, द स्क्रिप्ट, एवरीथिंग विल बी लोडेड. और यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सेशन लोड वर्क स्पेस एंड यू कैन सिलेक्ट वेयर एवर यू हैव सेव्ड इट. दैट इज द फर्स्ट थिंग. वर्क स्पेस क्या होता है, सेशन क्या होते हैं, सब क्लियर है सबको? बट हम लोग कभी भी यू विल नॉट सी दैट वी आर सेविंग अ वर्क स्पेस. दैट इज नॉट जनरली वॉट वी डू. नो पॉइंट अनलेस एंड अंटिल यू आर वर्किंग इन एक्सप्लिसिटली बहुत सारा डोमेन्स अलग अलग, मे बी आप तीन चार बहुत ही डिफरेंट काम कर रहे हो एंड आपको उसमें हर चीज सेव करना ही है, तो आप वो सब करोगे. बट वी जनरली डोंट डू इट. व्हाट वी डू इज वी ऑलवेज सेव दिस स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट अगर आप सेव करो तो आप इसको ऑब्वियसली हमेशा पूरा सिलेक्ट करके रन कर सकते हो एंड यू विल गेट योर ऑब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग, कुछ खोएगा नहीं आपका, राइट? सो इसीलिए हम लोग हमेशा स्क्रिप्ट को सेव करते हैं, नॉट द एंटायर वर्क स्पेस. बट यू कैन सेव द वर्क स्पेस एज वेल. That is the first thing, right? Moving to the next thing. So objects are stored in ours local environment. वो जो local environment window होता है, उसमें सारे objects जो हमारे दिखते हैं, और the working memory. This is called as the workspace, जैसे मैंने आपको discuss कराया. History record, जैसे मैंने दिखाया जो history tab में है. अब देखना, अब मुझे एक चीज दिखाना है. When we close this, मैंने save button I think press कर दिया था उस समय. 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. मैं आर स्टूडियो खोलती हूँ, ठीक है? मैंने आर स्टूडियो खोला,
दिखना कैसे खुलेगा? एग्जैक्टली जैसे मैंने बंद किया था वैसे ही खुला, येस और नो? सारे मेरे एनवायरनमेंट में वैल्यूज है, मेरा हिस्ट्री टैब है, कंसोल खाली हमेशा क्लियर हो जाते हैं, क्यों होता है मैं बताऊंगी। ये पूरा ओपन हो गया, स्क्रिप्ट खुला हुआ था पहले, वापस से खुल गया। यहाँ पे देखो, वर्क स्पेस लोडेड फ्रॉम डॉट आर डेटा। व्हाट इज दिस आर डेटा? दिस इज अ फाइल, दिस इज अ फाइल और अ फोल्डर जहां पे मेरा सारा टेम्प्रेरी हिस्ट्री, यानी कि ये वाला सारा एनवायरमेंट, ग्लोबल एनवायरमेंट, सारा ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ जो हम लोग बोल रहे थे ना कि वर्क स्पेस सेव हो जाते हैं बाई डिफॉल्ट। सपोज मैं यहाँ पे कोई चेंज करती हूँ, मैं लिखती हूँ 4 प्लस 9, ठीक है? सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4 प्लस 9, मैंने कुछ चेंजेस करे अपने स्क्रिप्ट में, ठीक है? इसको रन भी कर लेते हैं। नाउ व्हेन आई क्लोज, इट विल आस्क मी वेदर यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस और नॉट। तो ये जो सेव द चेंजेस इन लोग बोलते हैं, दे टॉक अबाउट, एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं, चलो 7, ठीक है? मैंने एक्चुअली फिर से सेव कर दिया था। सो व्हेन ये जो पूरा वर्क स्पेस है, ये बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं सेव होता होगा। ये कहाँ सेव होता है? ये होता है इस फाइल में, डॉट आर डेटा में। और ये फाइल कहाँ होता है? ये फाइल कहाँ होता है? वर्किंग डायरेक्टरी में। कल याद है मैं वर्किंग डायरेक्टरी का बात करी थी? कब बात कर रहे थे? जब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे अपने फाइल्स को, अपने एक्सेल फाइल को, और हम लोग टेक्स्ट फाइल को जब एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो वो कहाँ पे जा रहा था? वर्किंग डायरेक्टरी में, याद है? जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट वाज द कोड, व्हाट वाज द फंक्शन टू गेट द वर्किंग डायरेक्टरी? अगर मुझे मेरे लैपटॉप का वर्किंग डायरेक्टरी जानना है, व्हाट इज द फंक्शन फॉर दैट? वेरी गुड, गेट डब्ल्यू डी, गेट डब्ल्यू डी। अगर इफ आई राइट, सी, गेट डब्ल्यू डी, तो दिस इज द प्लेस जहां पे मेरा सारा टेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, विच इज दिस डॉट आर डेटा फाइल। अब देखो इसको कैसे देख सकते हैं, फाइल्स में जाओ, फाइल्स में जाओ, यहाँ पे क्या दिख रहा है? डॉट आर डेटा दिख रहा है, दिख रहा है सबको ये फाइल, डॉट आर डेटा। दिस फाइल इज, ये जो जितने भी है ना यहाँ पे, ये जो जितने भी फाइल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे फाइल्स मेरे कहाँ है? इधर डॉक्यूमेंट्स में। आई विल शो यू ऑल, देख लो, दो तीन फाइल देख लो, डेमो, डेमो डॉट सी एस वी, डेमो डॉट टी एक्स टी, ये सारा देख लिया? अब चलो हम लोग खोलते हैं वन ड्राइव डॉक्यूमेंट्स। देखो डेमो डॉट टी एक्स टी, डेमो डॉट सी एस वी, ये सारे फाइल्स, ये सारे फाइल्स, डॉट आर डेटा दिख रहे हैं? दिस इज द प्लेस जहां पे बाय डिफॉल्ट आपका वर्क स्पेस सेव होता है। व्हेन यू एवरी टाइम क्लोज योर आर स्टूडियो, इट विल आस्क यू वेदर यू वांट टू सेव योर डेटा टू डॉट आर डेटा, हमेशा देखना पूछेगा। तो आप या तो सेव करते हो या डोंट सेव, ऐसे करते हो। तो अगर आप सेव करते हो तो वो कहाँ जाके सेव होता है? डॉट आर डेटा में, इस पूरे फाइल में। और ये फाइल कहाँ पे है? इन योर वर्किंग डायरेक्टरी। व्हाट इज अ वर्किंग डायरेक्टरी? दिस इज अ वर्किंग डायरेक्टरी। द अदर वे ऑफ गेटिंग द वर्किंग डायरेक्टरी इज ये वाला। अब एक चीज समझो, यहाँ पे ये क्यों है? अपने जब पूरा फाइल पाथ लिखते हैं तो अपने कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, स्लैश दे दे के लिखते हैं फाइल पाथ। यहाँ पे क्या है? दिस टिल्ड साइन, इसको हम लोग टिल्डे साइन बोलते हैं। दिस टिल्डे साइन, दिस टिल्डे साइन, देन यू हैव दिस स्लैश, देन यू हैव डॉट आर डेटा विच इज द नेम ऑफ द फाइल। तो ये जो टिल्ड है, दिस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसको और हम लोग कैसे, जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ये वाला साइन सबको दिख रहा है यहाँ पे कंसोल में ऊपर में, ये वाला टिल्डे साइन, दिस ये वाला यहाँ पे, दिस टिल्डे साइन इज बेसिकली द पाथ वेर योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी करंटली इज। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, पाथ डॉट एक्सपैंड, ठीक है? इसमें आई विल पुट इन माय पाथ व्हिच इज दिस टिल्डे साइन। बाय डिफॉल्ट ये टिल्डे साइन जो रिप्रेजेंट करता है वो है मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसको रन करते हैं, देखो सेम चीज आया, सेम चीज आया। दिस इज द प्लेस वेयर बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड, जैसे कि आपका डॉट आर डेटा विल बी स्टोर्ड ओवर हियर। वॉट इज वर्किंग डायरेक्टरी?
Working directory is the directory which is where by default everything will get stored. You can also change your directory. कैसे करते हो उसमें आएंगे? ये वाला concept clear है working directory का, क्या save होता है, किसमें save होता है and all of those things. Now the next thing is working directory. मैंने बोल दिया देखो whether everything is stored is known as the working directory. Now there is something called as .rdata.rhistory. डॉट आर डेटा क्या है? जहाँ पे आपका पूरा वर्किंग स्पेस, जहाँ आपका पूरा वर्क स्पेस सेव होता है. देर इज ऑल्सो सी इफ यू सेव योर वर्क वेन क्विटिंग आर सेशन, इट सेव्स इन टू द फाइल कॉल डॉट आर डेटा. एंड जो हिस्ट्री टैब की सारी चीज है वो डॉट आर हिस्ट्री में सेव होता है. आपको ये दोनों चीज दिख रहे हैं यहाँ पे? वट इज द डिफरेंस एक्चुअली? ये जो हिस्ट्री टैब में सारा कुछ है वो यहाँ स्टोर होता है डॉट आर हिस्ट्री में. एंड ये पूरा वर्क स्पेस जो हम लोग बात कर रहे थे, हमारा स्क्रिप्ट, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा सब कुछ, ये जो है जो हम वर्कस्पेस का बात कर रहे थे वो डॉट आर डेटा में सेव होता है. सो व्हेन यू जस्ट क्लोज दिस, व्हेन यू क्लोज दिस आर सेशन, तो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव इट टू डॉट आर डेटा. ट्राई करके देखना इसको. मैं ट्राई करती हूँ अगर मैंने सेव नहीं करा इस चीज को. ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है मेरे पास. क्योंकि अभी दो, एक चीज और मैं आपको दिखाती हूँ, आपने नोटिस किया होगा ये मेरे दो स्क्रिप्ट्स हैं. यहाँ पे आपको ये स्टार साइन दिख रहा है छोटा सा? कैन यू सी द स्टार साइन? ये क्यों होता है? जब आप अपने स्क्रिप्ट को अपडेट करते हो और फिर आप उसको सेव नहीं करते हो, द मोमेंट आई सेव दिस, जैसे कि ये मेरा है, द मोमेंट आई सेव दिस, ये सेव बटन है, ये मैंने ऑलरेडी कहीं पे सेव कर रखा है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस मैंने ऑलरेडी अपनी फाइल में सेव कर रखा है. द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस चला गया, देखो वो स्टार चला गया. बिकॉज स्टार साइन कब तक रहता है? जब तक आप उसको सेव नहीं करते हो. इन ऑर्डर टू, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपने स्क्रिप्ट सेव नहीं करा, आपको उसको सेव करना है ताकि आपका वर्क नहीं खोए, राइट? तो अब जब मैं इसको क्रॉस करती हूँ तो देखो अपने आप क्रॉस हो गया क्योंकि मैंने उसको सेव कर दिया था. एंड वो बाई डिफॉल्ट कहाँ जाके सारा चीज, जो मेरा पूरा वर्क स्पेस है वो कहाँ सेव हो जाता है? डॉट आर डेटा में, विच इज देयर इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी. इफ यू सी यहाँ पे डॉट आर डेटा है और डॉट आर हिस्ट्री है, ये दोनों फाइल्स दिख रहे हैं. ये जो दोनों फाइल्स है ये अपने आप क्रिएट हो जाते हैं वेन यू इंस्टॉल आर स्टूडियो. तो ये दोनों अपने आप क्रिएट हो जाते हैं इन योर वर्किंग डायरेक्टरी, विच इज जनरली द डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम सपोज आप इसको आर को अनइंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल करने जाते हो, तो जब आप वापस इसको इंस्टॉल करने जाते हो ना, तो उस समय भी, क्योंकि मैंने इसको डिलीट नहीं करा है, मैंने खाली अपने आर स्टूडियो का अनइंस्टॉल करा है, तो ये मे भी मैंने डिलीट नहीं करा है, एक्सप्लिसिटली डिलीट करना भी नहीं पड़ता. तो वो आपसे उस समय पूछते हैं कि ऑलरेडी द फाइल्स आर क्रिएटेड इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, डू यू वॉन्ट टू चेंज इट, डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट. तब आपसे वो पूछता है जब आप उसको वापस से इंस्टॉल करने जाते हो, राइट? सो ये सारा चीज जब आप लोग करोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आप लोग कभी ना कभी फेस करोगे ये सारा. बट अगेन, हम लोग वर्क स्पेस कभी ऐसे अलग से स्टोर करते नहीं है, सेव करते नहीं, वी ऑलवेज सेव द स्क्रिप्ट्स. ओके, मूविंग ऑन. तो वन सेकेंड, तो मैंने आप लोग को ये बताया पाथ एक्सपैंड कैसे हम लोग इसको, इससे क्या मिलता है हम लोग को? करंट वर्किंग डायरेक्टरी. इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर वर्किंग डायरेक्टरी, विच आई विल नॉट सजेस्ट एनी वन ऑफ यू टू डू, हम लोग का फंक्शन होता है सेट डब्ल्यू डी. सेट डब्ल्यू डी, डब्ल्यू डी इज फॉर वर्किंग डायरेक्टरी, ये लिख लो सेट डब्ल्यू डी. इसके अंदर देखो डी आई आर, इसके अंदर कोट्स में यू जस्ट मैंशन द एंटायर फाइल पाथ वेर यू वॉन्ट टू, फाइल पाथ और फोल्डर पाथ बेसिकली, वेर यू वॉन्ट टू चेंज योर वर्किंग डायरेक्टरी टू. आपको अगर अपना डेस्कटॉप बनाना है तो पूरा डेस्कटॉप का डाल दो. आपको सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहां पे भी अपना वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करना है, प्लीज मत ट्राई करना, नो पॉइंट. करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है उसको रहने दो, बाय डिफॉल्ट जो है उसको रहने दो. डू नॉट चेंज इट. ठीक है, मैंने भी अभी तक कभी चेंज नहीं किया, नो पॉइंट. जो जो मेरा डिफॉल्ट है उसमें रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों चेंज करना है, राइट? सो यू कैन चेंज योर वर्किंग डायरेक्टरी यूजिंग दिस कमांड, राइट?
Now, next thing is, if you click on the icon next to the working directory name near the top of the console, then you can see the files stored in the working directory. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर आप इस बटन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक एरो साइन दिख रहा है क्या सबको? ये एरो साइन दिख रहा है सबको कंसोल पे? क्या लिखा हुआ है? व्यू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी. इस पे जैसे मैंने क्लिक करा, तेरे को वही सारे फाइल्स आ गए जो मेरे वर्किंग डायरेक्टरी में है. ठीक है, क्लियर है. नाउ जस्ट लाइक योर सेशन इज योर प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट होता है. नाउ व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट? प्रोजेक्ट इज बेस्ड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट नन, दिख रहा है सबको प्रोजेक्ट नन? ये क्यों है? दिस बेसिकली मीन्स मैंने अभी इसको कोई नाम नहीं दिया अपने प्रोजेक्ट को. अब प्रोजेक्ट क्या होता है? वर्किंग डायरेक्टरी क्या, वर्क स्पेस क्या था? वर्क स्पेस वॉज योर एनवायरमेंट, वॉज योर हिस्ट्री टैब, एवरीथिंग. ठीक है, वॉट इज अ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट इज आपके सारे आस्क्रिप्ट, आपके सारे प्लॉट्स, आप मतलब इंटायर सेशन, एवरीथिंग टूगेदर इज अ प्रोजेक्ट. अब आप वापस से अगेन यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इफ यू वॉन्ट टू. नाउ इसके लिए अगेन जस्ट गो टू फाइल, क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट. तो आपसे पूछेगा कि ये वाला करंट जो है आपको सेव करने की नहीं, लेट्स क्लिक ऑन सेव. न्यू वर्किंग डायरेक्टरी में क्रिएट करना है या फिर एग्जिस्टिंग वर्किंग डायरेक्टरी में क्रिएट करना है आपको अपना प्रोजेक्ट? लेट्स क्लिक ऑन न्यू वर्किंग डायरेक्टरी. तो आपसे पूछेगा कि आपको कौन से पैकेजेस चाहिए. अगर हम एग्जिस्टिंग वर्किंग डायरेक्टरी बोलेंगे तो ये आपका फाइल पाथ दिया हुआ है. ठीक है, देन इट विल आस्क यू टू ब्राउज जहां पे भी आपका प्रोजेक्ट है, आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है. देन यू विल जस्ट क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, यू विल जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा. अगेन ये सब मैं करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इट्स नो पॉइंट डूइंग इट. हम लोग अगेन ये कब करते हैं? जब वी आर वर्किंग ऑन वेरी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स टूगेदर एट वंस एंड वी डू नॉट वॉन्ट टू मिक्स इट. हमें अलग अलग चाहिए. सपोज मुझे अपना पूरा एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोजेक्ट, उसका ग्लोबल एनवायरनमेंट, विंडो, हिस्ट्री, टैब एंड ऑल ऑफ द प्लॉट्स, स्क्रिप्ट, सब कुछ अलग है एंड दूसरे वाले का सब कुछ अलग है. एंड ड्यू टू मे बी कॉन्फिडेंशियलिटी रीजन और वट एवर, आई डो नॉट वॉन्ट टू मिक्स इट. एंड मुझे डर है कि मिक्स हो जाए, या मे बी आई हैव सेपरेट प्रोजेक्ट्स टू वर्क ऑन फॉर सेपरेट क्लाइंट्स. इन दोज केसेस वी क्रिएट दीज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. अभी के लिए आई विल नॉट शो बिकॉज नो पॉइंट, हम लोग को यूज करना है नहीं. जनरली वी अगेन पीपल जनरली सेव द स्क्रिप्ट्स ओनली, वी डू नॉट डू दिस. बट यस, अगर आपको करना है दिस इज हाउ यू कैन डू इट. सीधा जाओ फाइल में, क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट एंड यू कैन जस्ट क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इन अ न्यू डायरेक्टरी इफ यू वॉन्ट टू, और इन द एग्जिस्टिंग वर्किंग डायरेक्टरी इफ यू वॉन्ट टू. क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक है, Any doubts? So basically, just to summarize it in 1 minute, ये पूरा हमारा एक session होता है. अगर आप नया session open करोगे तो एक नया से window खुल जाएगा. ठीक है, what is the difference between workspace and project Sumedha? Workspace में मेरा ये environment and history tab आता है only. ठीक है, स्क्रिप्ट मेरे नहीं आते. स्क्रिप्ट इज समथिंग विच इज अ डिफरेंट थिंग विच यू सेव. प्रोजेक्ट में मेरा स्क्रिप्ट भी आता है एंड एवरीथिंग, लाइक इट्स द एंटायर सेशन विच कम्स इन. और वर्कस्पेस में डॉट आर डेटा में हमारा एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट टैब बेसिकली सेव होता है, और डॉट आर हिस्ट्री में हमारा हिस्ट्री फाइल सेव होता है. एंड दीज टू आर द नोन एज द वर्कस्पेस. क्लियर है? और ये दोनों कहाँ होते हैं? करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में. Everyone clear? Session, project, workspace, current working directory, ये दोनों फाइल का क्या यूज है? Everything. Yes, Vivek. मैम, तो जब हम लोग वापस R खोलते हैं सेव करने के बाद, तो आपने बोला कि स्क्रिप्ट, एनवायरमेंट और हिस्ट्री तीनों लोड होता है, इसीलिए फिर तीनों खुल जाते हैं. बट अगर मैम फिर वर्कस्पेस में अगर स्क्रिप्ट स्टोर ही नहीं होता, तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल दैट व्हेन वी सेव अ वर्कस्पेस एंड देन वी ओपन आवर स्टूडियो अगेन, देन वुड गेट द थ्री थिंग्स सेम? सी, मैंने बोला कि वर्कस्पेस में एक्सप्लिसिटली ये सेव नहीं होता है, बट ये तुमने स्क्रिप्ट्स तो बना रखे हैं. स्क्रिप्ट इज अ डिफरेंट थिंग. स्क्रिप्ट अलग से हम सेव करते हैं ना.
तो अगर मैं अब इसको क्लोज करूं, ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज करूं एंड फिर मैं वापस ओपन करूं अपने आर स्टूडियो को, तो ये मेरा एक्सप्लिसिटली यहाँ पे खुलेगा। देखना, स्क्रिप्ट्स, दो स्क्रिप्ट्स अलग से मेरे आ रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये मेरा स्क्रिप्ट्स वहां पे सेव हो रही है, मेरे सेशन में है, ये मेरे इस प्रोजेक्ट में है, ये मेरे इस प्रोजेक्ट में सेव हो रखा है। अभी मैंने करेंटली इसका कोई नाम नहीं दिया, इसीलिए ये ऐसा है। इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, आपका वो न्यू प्रोजेक्ट का इधर पे नाम आएगा लिखा हुआ। बाई डिफॉल्ट कोई नाम नहीं है, इट्स रिटन नन। ये पूरा प्रोजेक्ट का पार्ट है। एंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्क स्पेस लोडेड, दिस इज द वर्क स्पेस जहाँ पे हमारी ये एनवायरमेंट एंड हिस्ट्री टैब है, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द सेशन विच इज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बेसिकली। क्लियर है विवेक? हाँ जी मैम, ओके, सो बेसिकली द क्रक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस इज, अगर आप एकदम ही इंटायरली नए नए प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो, सो यू कैन क्रिएट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें आपका फाइल्स एंड सब कुछ सेव हो जाएगा। अदरवाइज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपका वर्क स्पेस, आप जनरली वी नेवर स्टोर अ वर्क स्पेस एज सच, क्योंकि देर इज नो पॉइंट ऑफ सेविंग दिस हिस्ट्री एंड एनवायरमेंट अलग से, बिकॉज वी हैव ऑल ऑफ दीज इन द स्क्रिप्ट। तो अगर हम करते हैं तो प्रोजेक्ट्स अलग अलग क्रिएट करते हैं, वी नेवर सेव एनी वर्क स्पेस, एंड हम लोग जनरली अपने वर्किंग डिरेक्टरी को भी चेंज नहीं करते। क्लियर एवरीथिंग? धीरे धीरे व्हेन यू वर्क अहेड, व्हेन वी मूव अहेड, वी रियलाइज कि ये सारा चीज कैसे पुट इन हो जाते हैं। बहुत बारी हम लोग कुछ कुछ फेस करेंगे, तो हम लोग को तब तक बहुत क्लियर होते जाएगा। एट दिस पॉइंट दिस इज द लाइक, इतना अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए अभी काफी है, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दीज आर अ फ्यू वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शंस जो अभी हम करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन विच यू सी ऑन द स्क्रीन इज द विच फंक्शन, विच इज टू फाइंड एलिमेंट इन वेक्टर दैट सैटिस्फाई अ कंडीशन। अब देखो इसका मीनिंग को छोड़ो, बट सपोज दिस इज अ वेरी, आई थिंक किसी ने पूछा था मुझसे इन सम ऑफ द क्लासेस, मैम न्यू सेशन ओपन करना इज सेम एज न्यू प्रोजेक्ट, नो उसका नो। अगर मैं नया सेशन ओपन करूँ, न्यू सेशन, सो इट्स द सेम प्रोजेक्ट, नन, ठीक है। फिर अगर आप इसको एक्सप्लिसिटली एज अ प्रोजेक्ट सेव करते हो अलग, देन इट बिकम्स अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके, चलो नाउ आई थिंक दिस क्वेश्चन समवन आस्क्ड मी कि हम लोग, चलो मैं आप लोग को एक डेटा दिखाती हूँ, कार्स। दिस इज द इनबिल्ट डेटा इन आर, जो आई थिंक डेटा सेट्स वाले पैकेज में है हमारे, या फिर मास पैकेज में। इसको अगर मैं रन करूं, कार्ड्स को अगर मैं रन करूं, अपने आप रन हो जाएगा, मैंने कहीं स्टोर नहीं किया। दिस इज द इनबिल्ट पैकेज विच इज देयर इन आर। तो आपको देखो क्या मिलेगा, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड एंड डिस्टेंस कितना है, 50 रोज है, एंड दिस इज अ डेटा फ्रेम और अ मेट्रिक्स बोल सकते हो, उसका क्लास चेक करके। आई थिंक इट्स अ मेट्रिक्स, द डेटा फ्रेम, ओके। सो इट्स अ डेटा फ्रेम जहां पे, अच्छा हाँ डेटा फ्रेम है, यस। सो वी हैव टू कॉलम्स एंड 50 रोज। अब सपोज ये सब लोग आप लोग लोड कर सकते हो, सबके आर में इनबिल्ट होता है। नाउ सपोज इफ आई आस्क यू, स्पीड एंड डिस्टेंस दिया हुआ है ना हमें, स्पीड एंड डिस्टेंस। नाउ इफ आई आस्क यू, खाली वो रोज एक्सट्रैक्ट करो जहां पे स्पीड इज ग्रेटर देन, या फिर वेयर द स्पीड इज इक्वल टू 10, ठीक है। या फिर मुझे बताओ कि इन विच रोज द स्पीड इज इक्वल टू 10, विच रोज द स्पीड इज इक्वल टू 10। सो यू विल नॉट सिट एंड फाइंड कि कौन से रो में स्पीड 10 था, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज समथिंग एज अ कॉल्ड एज अ विच फंक्शन। विच फंक्शन में क्या होता है, विच फंक्शन में यू कैन फाइंड द पोजिशन, यू कैन फाइंड द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ मेट्रिक्स और इन अ वेक्टर और इन अ डेटा फ्रेम वेरिएबल। तो मुझे पोजिशन चाहिए स्पीड वाले वेक्टर का, कॉलम का। सो व्हाट आई डू इज आई विल जस्ट राइट कार्स डॉलर,
स्पीड, इससे क्या हो जाएगा, स्पीड वाला वेक्टर एक्सट्रैक्ट हो गया। तो रन करते हैं, खाली खाली इसको रन करो, ये स्पीड वाला पूरा वेक्टर रन हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वल टू 10, 7, 8, 9 आ रहे हैं। ये क्या है, दिस इज द पोजिशन जहां पे स्पीड इज इक्वल टू 10, विच इज दिस, दीज आर द पोजिशंस जहां पे स्पीड इज इक्वल टू 10। सो विच फंक्शन से क्या मिलता है हमें, द पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू इन द एंटायर वेक्टर मैट्रिक्स और डेटा फ्रेम वट एवर बेस्ड ऑन अ कंडीशन। आपने कंडीशन क्या डाला है उसकी बेसिस पे आपका क्या पोजिशन आ रहे हैं उस पूरे। अब आप इसको अपने इंडेक्सिंग में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका पोजिशन आ रहा है, तो पोजिशन को अपने इंडेक्सिंग में भी यूज कर सकते हैं, येस और नो कर सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे, अब मैंने बोला है कि जस्ट टेक आउट द वैल्यूज ऑफ 10, तो आपको पता नहीं कि 10 किधर आ रहा है। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल राइट कार्स टॉलो स्पीड, एक्सट्रैक्ट हुआ पूरा, इसमें अपने इंडेक्सिंग लगाते हैं, इंडेक्सिंग में अपने ये पूरा विच फंक्शन डाल देंगे। अपने जब ये विच फंक्शन डाल रहे थे तो क्या आउटपुट आ रहा था, देखना ये आउटपुट आ रहा था 7, 8, 9, 7, 8, 9 आ रहा था। बेसिकली अब क्या होगा, जब आप इसके अंदर 7, 8, 9 डालोगे तो आपके इस वेक्टर से, स्पीड वाले वेक्टर से 7th, 8th एंड 9th एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। 10, 10, 10 एक्सट्रैक्ट हो गया। क्लियर है क्या होता है विच फंक्शन, एक बार ध्यान से देख लो फिर से। क्लियर कोई भी डाउट है तो पूछो तब तक। नथिंग, नो डाउट, सबको क्लियर है। एक बार थम्स अप दे दो मुझे, एक बार थम्स अप दे दो सब लोग। विच फंक्शन, ठीक है। सो बेसिकली इट इज टू गेट द पोजिशन ऑफ जो भी आपका कंडीशन है। तो अगर इससे विच फंक्शन से हमारा पोजिशन आता है, एंड ये पोजिशन हम कहाँ डालते हैं, इंडेक्सिंग में यूज करते हैं, तो आप इसको जनरली विच फंक्शन हम लोग इंडेक्सिंग के साथ ही यूज करेंगे, जनरली दिस इज द केस। अब जैसे उस दिन कोई मुझसे पूछ रहा था, वी क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम राइट, लेट मी जस्ट सी इफ द डेटा फ्रेम इज हियर और नॉट। सो दिस वाज द डेटा फ्रेम नेम एंड जेंडर। अब उस दिन ये खाली दो कॉलम है यहाँ पे। उस दिन कोई मुझसे पूछ रहा था कि व्हाट इफ वी हैव अ डेटा फ्रेम एंड मुझे जेंडर के अलावा सारा कॉलम्स एंड सारा रोज चाहिए। सो इन दैट केस मैं ये नहीं कर पाऊंगी, लाइक ऑल द रोज माइनस जेंडर, ये चीज हम नहीं कर सकते, राइट ये चीज हम नहीं कर सकते। तो अगर हमें नहीं पता कि जेंडर का कौन सा कॉलम नंबर है तो हम कैसे निकालें, ये कोई मुझसे पूछ रहा था आई थिंक। सो उस केस में वी कैन यूज विच फंक्शन, उस केस में वी कैन यूज विच फंक्शन। ठीक है, ट्राई करो कैसे यूज कर सकते हैं विच फंक्शन उस केस में।
ट्राई करो तब तक, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम. हुआ किसी से भी? संचित. संचित आंसर आया? ऐसे आई डोंट थिंक आया होगा. संचित ने मेरे को क्या दिया है? डीएफ ऑल रोज माइनस विच डीएफ जेंडर. बट ये तुम्हारा रन हुआ? आई डोंट थिंक ये रन हुआ होगा. आई डोंट थिंक ये रन हुआ होगा. वेट, आर्ग्यूमेंट विच इज नॉट लॉजिकल, क्योंकि जब आप अगर विच फंक्शन देखो, ये क्यों नहीं रन हुआ मैं समझा देती हूँ. अगर आप विच फंक्शन देखो तो विच फंक्शन में विच इंडिकेट्स आर ट्रू, मतलब कि ये जो एक्स आप डालते हो दिस शुड बी अ लॉजिकल वेक्टर. इज दिस अ लॉजिकल वेक्टर? इज दिस अ लॉजिकल ऑपरेशन? इसका आंसर क्या ट्रू फॉल्स आ सकते हैं? नहीं, ये लॉजिकल वेक्टर नहीं है, सो यू कैन नॉट यूज दिस. इंस्टेड समझो चीज को करना क्या है. व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू, एंड मैं आपको हिंट देती हूँ, दिस इज नॉट इजी विच व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. अभी वो इजी नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा रिकलेक्ट करना पड़ेगा डेटा फ्रेम्स के क्लास को. आई एम आस्किंग यू जेंडर इज विच कॉलम नंबर. सबसे पहले तो कॉलम नंबर अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते हो कि डी एफ डॉलर समथिंग इक्वल टू आप क्या यूज करोगे, है ना? तो मुझे ये बताओ सारे कॉलम का नेम्स हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर मुझे चाहिए डी एफ में जितने भी कॉलम्स हैं उनका नेम चाहिए मुझे, तो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करके? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू आर डूइंग, क्योंकि ये काफी बार ही आपको यूज करना पड़ेगा. डिम नेम्स से आपका रो नेम्स भी आते हैं. मुझे जस्ट कॉलम नेम्स चाहिए, कोल नेम्स, ठीक है? आई वॉन्टेड यू ऑल टू गिव मी अ बेटर आंसर. मुझे चाहिए था कि आप लोग नेम्स फंक्शन बताओ मुझे. मैंने आपको डेटा फ्रेम में याद करो बोला था कि हम जनरली नेम्स फंक्शन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कोल नेम्स. सो कोल नेम्स में इफ आई जस्ट राइट डी एफ तो हमारा सारा कॉलम नेम्स आ रहे हैं. आई कैन ऑल्सो डू इट विद नेम. जनरली डेटा फ्रेम के लिए हम लोग नेम्स फंक्शन यूज करते हैं. हमारा क्या आ रहा है? डेटा फ्रेम. अब ये क्या बन गया एक वेक्टर? वेरी गुड अनमोल, वेरी गुड. देखो उसने पकड़ लिया चीज को, वेरी गुड. सो ये क्या आ रहा है? ये एक पूरा हमारा वेक्टर आ रहा है. अब मैं पूछ रही हूँ इसमें हमारा जेंडर का क्या पोजिशन है? सेकेंड पोजिशन है. तो अब हम लोग क्या करेंगे? विच नेम्स डी एफ इज इक्वल टू जेंडर. वेरी गुड अनमोल, देखो उसने पकड़ लिया चीज को. आ गया हमारा कॉलम नंबर टू. अब कॉलम नंबर आ गया तो हम इधर पे डाल सकते हैं ये पूरा चीज. क्यों रहे? तो हमारा खाली नेम्स आ गया, यस और नो? थम्स अप दे दो जल्दी से मुझे अगर ये क्लियर है तो. वेरी गुड, वेरी गुड. यस यू कैन डू दैट एज वेल. वंशिका कैन डू दैट एज वेल. ठीक है, तो ऐसे हम चीजों को करते हैं जहां पे हमें नहीं पता एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर
एलिमेंट जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है या कॉलम जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, हम लोग विच फंक्शन यूज करते हैं. ठीक है, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज फॉर इंडेक्सिंग. एंड जनरली इट इज नॉट दैट ईजी टू यूज इट एट दिस पॉइंट. इवन समटाइम्स इवन आई गेट कन्फ्यूज, हो जाता है बहुत जनों से होता है, बहुत जन कन्फ्यूज हो जाते हैं इस फंक्शन में. क्यों? क्योंकि कभी कभार ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है टू यूज. तो इट्स नॉट ईजी, कभी कभार हो जाता है, बट विथ प्रैक्टिस हम लोग ये कर लेंगे. मूविंग टू नेक्स्ट फंक्शन विच इज वेरी सिंपल, सॉर्टिंग द डेटा. अगर आपको अपने डेटा को पूरे को सॉर्ट करना है, सपोज आपके पास एक वेक्टर है जिसमें ले लो ये सारे वैल्यूज हैं. ये डिफरेंट वैल्यूज हैं. अब इनको मेरे को सॉर्ट करना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाट एवर इट इज. तो आई विल यूज द फंक्शन सॉर्ट. इसके अंदर मैं डालूंगी अपना वेक्टर, जो भी मेरा वेक्टर है, एक्स डाला मैंने. देखो ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया. अगर आपको सेम चीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, अगेन द सेम फंक्शन, जस्ट हैव टू पास द आर्ग्यूमेंट, जस्ट हैव टू पास द आर्ग्यूमेंट एज, देखो सॉर्ट. यहाँ पे एक्स में आप क्या पास कर सकते हो? न्यूमेरिक. अच्छा, कैरेक्टर वेक्टर को सॉर्ट कर सकते हैं क्या? तो बता सकते हैं मुझे, कैरेक्टर वेक्टर को सॉर्ट कर सकते हैं? यस और नो? सपोज ये नेम्स वेक्टर है, ये नेम्स है सारा, क्या इसको मैं सॉर्ट कर सकती हूँ? ट्राई करें, यस और नो? जल्दी से कोई आंसर नहीं दे रहा है, जल्दी से कोई आंसर दो. df डॉलर नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर सकती हूँ ना सॉर्ट? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करोगे और क्या? सो इसीलिए इट्स रिटन न्यूमेरिक और कैरेक्टर और लॉजिकल वेक्टर, वट एवर इट इज. एंड अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, सो यू विल हैव टू राइट डिक्रीजिंग इक्वल टू ट्रू. बाय डिफॉल्ट क्या होता है? वो फॉल्स होता है. सो डिक्रीजिंग ट्रू मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में. क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है सबको? एक बार जल्दी से बोलो. ओके, सो वंस वी हैव डन द सॉर्टिंग ऑफ डेटा, देयर आर एक्चुअली डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डेटा मैनिपुलेशन, लाइक फिल्टरिंग आउट द डेटा. वो हम लोग डीप लायर पैकेज में सीखते हैं. ठीक है, तो वो बाद में आते हैं. ये जस्ट मैंने एक सिंपल फंक्शन आप लोगों को बताने के लिए कि सॉर्ट कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे ले लिया. बट एक्चुअली देर इज एन एक्सप्लिसिट पैकेज फॉर डिफरेंट डेटा मैनिपुलेशन फंक्शंस व्हिच वी यूज लेटर. सो अब हमारा है एस अप्लाई और अप्लाई फंक्शन. देर आर एक्चुअली थ्री डिफरेंट फंक्शन. यहाँ पे मैंने एस अप्लाई और अप्लाई किया क्योंकि जनरली हम लोग ये दोनों यूज करते हैं. देर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एल अप्लाई. अब होता क्या समझो, फर्स्ट वी विल डील विद एस अप्लाई एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सो एस अप्लाई, इट टेक्स अ लिस्ट वेक्टर और डेटा फ्रेम एज एन इनपुट. मतलब आप इनपुट में खाली वेक्टर, डेटा फ्रेम या लिस्ट डाल सकते हो एंड इट गिव्स यू अ वेक्टर और अ मैट्रिक्स एज एन आउटपुट. इट अप्लाइज अ फंक्शन टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द इनपुट. भूल जाओ डेफिनेशन को, अब समझते हैं कि होता क्या है. सपोज मुझे एक डेटा फ्रेम चाहिए. यहाँ पे कौन सा डेटा फ्रेम लू मैं? डेमो में देखते हैं क्या था. सो ओके, नहीं एक क्रिएट करते हैं, इट्स बेटर दैट वी क्रिएट वन फंक्शन यहाँ पे.
Just give me 1 second. Okay. तो चलो हम लोग एक ठीक है, ये कार्स वाले ही डेटा यूज करते हैं. आई वॉज सर्चिंग फॉर सम अदर डेटा. तो हम लोग यहाँ पे कार्स डेटा में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे स्पीड एंड डिस्टेंस दोनों कॉलम्स में मिनिमम वैल्यू निकालना है दोनों कॉलम्स का. मतलब कि मुझे स्पीड का भी एंड डिस्टेंस का भी दोनों कॉलम्स का मिनिमम वैल्यू निकालना है. नाउ फर्स्ट थिंग विच कम्स टू योर माइंड, क्या पैसे निकालो, मिन कार्स डॉलर स्पीड, ऐसे करके निकालो. सिमिलरली डू फॉर डिस्टेंस. व्हाट इफ आपके पास 10 कॉलम्स है, क्या हर एक का पैसे से करोगे? नहीं, कुछ शॉर्टकट पक्का होगा आर्मी. तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एस अप्लाई. सबसे पहले तो हम एस अप्लाई समझेंगे एंड देन वी मूव टू अप्लाई फंक्शन, एल अप्लाई फंक्शन. ये भी अगेन काफी यूज होता है एंड कभी कभार ये एक्चुअली कंफ्यूजिंग हो जाता है. सो स्टूडेंट्स जनरली आस्क मी दिस क्वेश्चन अलॉट, ये कैसे करें कैसे करें. देखना एस अप्लाई, फर्स्ट यू गिव एक्स. एक्स यहाँ पे आपका एक वेक्टर है जो आप दे रहे हो, ठीक है. वेक्टर हो सकता है, अगेन इट कैन बी डेटा फ्रेम, इट कैन बी अ मैट्रिक्स. एंड देन व्हाट इज दिस एफ यू एन? दिस एफ यू एन इज द फंक्शन विच हैज टू बी अप्लाइड टू योर इंटायर डेटा. समझ रहे हो, द फंक्शन विच हैज टू बी अप्लाइड टू योर इंटायर डेटा. सो व्हेन आई राइट एस अप्लाई, इसके अंदर आई विल राइट कार्स. दिस इज माई डेटा, राइट? दिस इज माई डेटा एंड देन कॉमा आई विल राइट द फंक्शन नेम. कौन सा फंक्शन आपको अप्लाई करना है, सॉरी, कौन सा फंक्शन आपको अप्लाई करना है? मिनिमम फंक्शन. मिनिमम फंक्शन इसको रन करें, स्पीड का मिनिमम वैल्यू इज 4, डिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू इज. तो इसमें एस अप्लाई में क्या होता है, इट अप्लाइज दिस फंक्शन टू ऑल द वैल्यूज. नाउ आर इज वेरी इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड कि एक आपका डेटा फ्रेम है, तो आपको ऑब्वियसली कॉलम वाइज चाहिएगा मिनिमम वैल्यू, वेरिएबल वाइज चाहिएगा. तो अपने आप इसने क्या किया, आपको कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यू, ठीक है. ठीक है, एक चीज और ट्राई करना है, सिंपल सा एक चीज और ट्राई करना है. इसमें सपोज आपको यूज करना है, मैंने जो ये वेक्टर इधर क्रिएट किया था ना, एक्स वाला वेक्टर देख लो, जो मैंने ये एक्स वाला वेक्टर क्रिएट करा किया था, आपको इन सब का एक्सपोनेंशियल निकालना है. फॉर एग्जाम्पल, सो अगेन यू कैन यूज एक्सपोनेंशियल एक्स. दिस इज एक्चुअली जस्ट अ बेसिक थिंग. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सपोज मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा यहाँ पे एन, एंड इसमें मैंने लिखा एक्सपोनेंशियल एन. एक मैंने फंक्शन क्रिएट करा एक्सपोनेंशियल का, कोई यूज नहीं क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऐसे एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है. जस्ट आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल कैसे करते हैं, या फिर इसको डिवाइड बाई 100 करते हैं. दिस इज द फंक्शन विच आई हैव क्रिएटेड. क्या होगा, हर एक वैल्यू ऑफ एक्स, अच्छा एक्स इधर मैच नहीं होगा, एक्स भी दे सकते हो एन भी दे सकते हो, एन देते हैं. समझो इस फंक्शन में हो क्या रहा है, अभी आई होप आप लोग को क्लियर है ये फंक्शन. इसमें क्या होगा, बेसिकली जो भी आप वैल्यूज डालोगे उसका एक्सपोनेंशियल डिवाइड बाय 100 हो जाएगा. अब अगर मुझे ये फंक्शन हर एक वैल्यू ऑफ एक्स के में अप्लाई करना है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली राइट एस अप्लाई
एक्स कॉमा फंक्शन की जगह पे आई विल गिव दिस एफ, ये वैल्यूज कैलकुलेट हो गए. क्या क्या वैल्यूज कैलकुलेट हुए? बेसिकली एक्सपोनेंशियल ऑफ 90 डिवाइड बाय 100, एक्सपोनेंशियल ऑफ 67 डिवाइड बाय 100. बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, इसको हम 10,000 कर देते हैं. चलो, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल ऑफ अगर आप 90 करोगे तो बहुत बड़ा आएगा, इसीलिए इतना बड़ा आपको रिजल्ट मिल रहा है. एस अप्लाई क्लियर है? यू गिव द वेक्टर और अ मैट्रिक्स और अ डेटा फ्रेम, एंड अगर आपको एक फंक्शन उसके सारे एलिमेंट्स में अप्लाई करना है, बी एट कॉलम वाइज, बी एट अगर आप वेक्टर दे रहे हो तो सारे एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर में, अगर आप डेटा फ्रेम दे रहे हो तो हर एक कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम में अगर आपको अप्लाई करना है वो पूरा फंक्शन, तो आप क्या यूज करोगे? एस अप्लाई. क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? सिमिलर टू एस अप्लाई इज योर एल अप्लाई. द ओनली डिफरेंस इज कि जब आप एल अप्लाई करते हो तो आपका जो रिजल्ट आता है वो एक लिस्ट के फॉर्म में आता है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय लिस्ट? आप लोग को लिस्ट का मीनिंग पता है? अभी मैंने आप लोग को ये करके दिखाया, ऐसे आ रहा था आपका आंसर. अब इसी की जगह पे अपने एल अप्लाई करके देखते हैं. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस? ये कैसे आ रहे हैं? एज अ वेक्टर आ रहे हैं. और ये कैसे आ रहे हैं? एज अ लिस्ट. ऐसे डॉलर साइन, याद है लिस्ट में ऐसे ही आता था डॉलर, देन यहाँ पे एक आपका ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ये एक आपका कॉम्पोनेंट बन गया. सो एल अप्लाई में वट एवर यू गिव द आंसर कम्स एज अ लिस्ट, एस अप्लाई में इट कम्स एज अ वेक्टर और अ डेटा फ्रेम, वट एवर. क्लियर है? एस अप्लाई और अप्लाई, किसी को भी डाउट है तो पूछो. आई थिंक देर इज अ नेटवर्क इशू ऑन माई एंड. एक बार प्लीज मुझे चैट बॉक्स में येस लिख दो अगर ये क्लियर है तो. मैम वी कैन यूज एस अप्लाई इन दैट इफ एंड एल्स कोड, यस यू कैन डू दैट, करके देखते हैं. चलो, वेरी गुड, वी कैन डू दैट. सपोज ये वैल्यूज देते हैं हम एक्स का. आई डोंट नो इफ आई एम विजिबल और नॉट, बिकॉज आई थिंक कोई इश्यू हो रहा है नेटवर्क में फ्रॉम माई एंड. ओके, इट्स फाइन नाउ. एक्स का ये वैल्यूज है, इन पे सब पे मुझे वो परफॉर्म वाला फंक्शन डालना है. मैं अपना वाला फंक्शन रन करती हूँ. ऑब्जेक्ट एन नॉट, सॉरी, इसको पूरे को रन करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें हम डालते हैं एस अप्लाई एक्स एंड फंक्शन में हम डाल रहे हैं परफॉर्म. क्लियर है? क्लियर है? सबका आ गया? ग्रेट. Now moving on, s apply हो गया, l apply हो गया. The next function is apply function. Now what is the difference? अब अगर यहाँ पे s apply में क्या हो रहा था, अगर हम matrix दे रहे हैं या data frame दे रहे हैं, उसकी हर element, हर column, हर row में वो calculation किया जाएगा, right? In case of suppose मुझे खाली row wise जाना है, मुझे row wise calculation करना है instead of column wise. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उस केस में हम एस अप्लाई या एल अप्लाई नहीं यूज कर सकते, वी हैव टू यूज द अप्लाई फंक्शन. नाउ मैं अगर आपको ये कार्स वाला डेटा दिखाऊं, ठीक है, इसमें कार्स वाले डेटा में
हम जब भी एस अप्लाई या फिर एल अप्लाई यूज करेंगे, ये हमेशा कॉलम वाइज पूरे में अप्लाई हो जाएगा। बट अगर मुझे रो वाइज कुछ अप्लाई करना है, ठीक है, या फिर जो भी कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, बट अगर रो वाइज स्पेसिफिकली अप्लाई करना है तो उस केस में हम लोग अप्लाई फंक्शन यूज करेंगे। ओवर एरे मार्जिन, इसका क्या मतलब है, देखो, इट रिटर्न्स अ वेक्टर और अ एरे और लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अ फंक्शन टू मार्जिन ऑफ एन एरे और अ मैट्रिक्स। ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अ फंक्शन टू मार्जिन, एंड व्हाट आर दीज मार्जिन वी आर टॉकिंग अबाउट, या तो कॉलम्स या तो रोज। अगर आपको रो वाइज जाना है तो आप 1 लिखोगे, अगर आपको कॉलम वाइज जाना है तो आप 2 लिखोगे। सो मार्जिन इज इक्वल टू 1 अगर आपको रो वाइज अप्लाई करना है, मार्जिन इक्वल टू 2 अगर आपको कोई फंक्शन कॉलम वाइज अप्लाई करना है। सो दिस इज स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर मुझे टाइम निकालना है, स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्या इक्वेशन होता है, स्पीड डिस्टेंस या फिर टाइम कैसे निकालते हैं? या फिर भूल जाओ उसको, या फिर सपोज मुझे करना है क्योंकि उसके लिए मुझे फिर एक फंक्शन क्रिएट करके आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, उसको भूल जाओ। सपोज मुझे इन दोनों का सम निकालना है या प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, प्रोडक्ट निकालते हैं इसका, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं हर एक या फिर सम निकालते हैं हर एक रो का। तो उसमें हम कैसे करेंगे देखना, वील यूज अप्लाई फंक्शन। एक्स हमारा जो पूरा डेटा है वो देंगे, विच इज कार्स। मार्जिन में हम आपको कॉलम वाइज जाने या रो वाइज, हमें रो वाइज जाने है, सो वील राइट मार्जिन इक्वल टू 1, सिंपली 1 भी लिख सकते थे। एंड देन यू गिव द फंक्शन, तो मुझे फंक्शन देना है सम। पहले दोनों का सम क्या है, 6, देखो 6 आ रहे हैं। इन दोनों का फंक्शन क्या है, सम क्या है, देखो 14। क्लियर कैसे यूज करते हैं अप्लाई फंक्शन? ठीक है, बोलो। सिमिलरली अगर आपको कॉलम वाइज करना है, सो यू कैन जस्ट गिव यहाँ पे कार्स 2, सम ऑफ द टोटल डिस्टेंस एंड सम ऑफ द टोटल स्पीड। क्लियर है अप्लाई? तो अगर आपको एक पूरे वेक्टर में कोई फंक्शन अप्लाई करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो मुझे। अगर आपको खाली एक वेक्टर में या फिर पूरे मैट्रिक्स में एक सिंगल या फिर पूरे डेटा फ्रेम में एक सिंगल फंक्शन अप्लाई करना है, सो विच फंक्शन यू यूज, विच फंक्शन यू यूज, जल्दी से चैट बॉक्स यूज करो। एस अप्लाई और एल अप्लाई, वेरी गुड। जनरली एस अप्लाई क्योंकि उसका आउटपुट एज अ वेक्टर या डेटा फ्रेम आता है, एल अप्लाई का हमेशा एज अ लिस्ट आता है। नाउ अगर मुझे स्पेसिफिकली बताना है कि मुझे कॉलम वाइज जाना है या रो वाइज जाना है अपने मैट्रिक्स में या फिर डेटा फ्रेम में, तो हम यूज करते हैं अप्लाई फंक्शन। क्लियर है? तो हम यूज करते हैं अप्लाई फंक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, क्लियर है, ग्रेट ग्रेट। वंस दिस इज डन, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ कंप्लीटिंग दिस दीज बेसिक क्लासेस। आज मैं पूरा नहीं कराऊंगी बिकॉज द नेक्स्ट पार्ट इज लूपिंग, जो हम लोग थोड़ा इट्स थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर बोल सकते हैं वी नीड अ लिटिल थॉट इन टू इट कैसे करते हैं। सो आई टूडे आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू बेसिक प्लॉटिंग कैसे करते हैं हम आर में, एंड देन वी कैन एंड टूडेज क्लास। टुमोरो आई विल लेट यू नो द टाइमिंग, मे बी जस्ट 1 आवर आई विल नीड टू कंप्लीट द लूपिंग, ठीक है? सो लेट अस टेक 2 मिनट्स ब्रेक, अभी हो रहा है 11:56, मैं सब कुछ ऑन रख रही हूँ सेटअप। लेट्स टेक 2 मिनट्स ब्रेक, वी विल कम बैक अगेन एट आफ्टर 2 मिनट्स, 11:58 या 12 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 2 मिनट्स का ब्रेक ले लो।
आ जाओ सब लोग फिर से वापस। ओके सो नाउ वील डू प्लॉटिंग इन आर अगेन। आज हम लोग खाली बेसिक समझते हैं, थोड़ा बहुत डेटा लेके करते हैं, जो खुद का डेटा बना के हम लोग कर सकते हैं। अहेड व्हेन वी मूव हम लोग देखेंगे कि हम लोग और कैसे अलग अलग प्लॉट्स बना सकते हैं। सो आई विल जस्ट गिव यू द बेसिक स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। आई एम नॉट रीडिंग द पीपीटी, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। तो सबसे पहला देखो, दो तरीके से आर में हम प्लॉट्स, काफी सारा प्लॉट्स बना सकते हैं, रियली इंटरेस्टिंग इवन 3D प्लॉट्स बना सकते हैं हम आर में। तो देर इज अ पैकेज कॉल्ड ggplot2, ठीक है, पैकेज का नाम है, जिसको यूज करके हम प्लॉटिंग, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉटिंग कर सकते हैं। बट ggplot2 हम लोग आज नहीं करेंगे, वी विल लर्न डिफरेंट फंक्शंस विच आर प्लॉट फंक्शन, लाइंस फंक्शन। दीज आर द फंक्शंस विच आर इनबिल्ट इन आर, यानी कि इनबिल्ट पैकेज में है ये फंक्शंस, तो हम लोग रेडिली यूज कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग द पैकेज। फ्यूचर व्हेन वी मूव अहेड, तो ggplot एंड ऑल ऑफ दोस पैकेज वी कैन यूज टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स, ठीक है। तो अभी के लिए सबसे पहले तो प्लॉट फंक्शन, जिसमें हम लोग नाम है उसका प्लॉट, जिसके अंदर हम लोग अपना देते हैं एलिमेंट्स। यहाँ पे व्हेन आई टाइप प्लॉट हेल्प टैब में, लेट्स सर्च फॉर द डिफरेंट प्लॉट फंक्शन। ओके मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ क्वेश्चन मार्क प्लॉट डिफॉल्ट। सो देखो एक्चुअली प्लॉट फंक्शन जो है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट। तो हम जेनरिक एक्स वाई प्लॉटिंग कर सकते हैं, या फिर इसमें मैं क्लिक करती हूँ जेनरिक एक्स वाई प्लॉटिंग। तो यहाँ देखो प्लॉट आया, प्लॉट फंक्शन आया, एक्स वाई आया। नाउ बेसिकली द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी कैन डू इज वी कैन गिव द एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, एंड आपको उसमें क्या प्लॉट करना है। ओके तो एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एंड उस पर हम अपना प्लॉट बनाते हैं। टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल क्या हो जाते हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक जेड एक्सिस है। और थ्री डायमेंशनल प्लॉटिंग अभी हम लोग नहीं कर रहे, आप लोग को जरूरत भी इतना नहीं पड़ेगा थ्री डी प्लॉटिंग करने का, क्योंकि ऑब्वियसली यू कैन नॉट विजुअलाइज द 3D प्लॉट्स करेक्टली हियर। बट येस, आर में देर इज अ स्कोप ऑफ क्रिएटिंग 3D प्लॉट्स, एंड उसका एक अलग से पैकेज होता है टू क्रिएट 3D प्लॉट्स। अभी के लिए वील जस्ट क्रिएट टू डायमेंशनल प्लॉट्स, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सबको ये चीज पता होगा। आई एम टेकिंग अ डेटा, आयरिश डेटा सेट, मैंने एक बार बोला था आप लोगों को इसको, दिस इज द इनबिल्ट डेटा सेट इन आर। ये एक बार समझ लेते हैं क्या है इस डेटा में। देखो दिस इज द आयरिश डेटा, बेसिकली आयरिश इज अ स्पीशीज ऑफ प्लांट, जहाँ पे तीन स्पीशीज लिया मैंने इसके आयरिश के अंदर, वर्सिकलर, वर्सिका एंड वर्जिनिका। देखो सेटोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका, सो देर आर थ्री डिफरेंट स्पीशीज विद इन दिस इंटायर डेटा सेट, एंड सबका सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ एंड पेटल विथ हमें गिवन है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द डेटा विच जनरली वी यूज टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन फ्यूचर, स्कैटर प्लॉट एंड ये सब भी बनाते हैं इसको यूज करके। अभी के लिए आई एम यूजिंग दिस डेटा टू क्रिएट अ सिंपल प्लॉट। मेरा एक्स एक्सिस है, मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मुझे सपोज अपने एक्स एक्सिस पे सेपल लेंथ प्लॉट करना है, एंड वाई एक्सिस पे सेपल विड्थ प्लॉट करना है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आयरिश इज अगेन अ डेटा फ्रेम, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, वैल्यूज को डॉलर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। आई विल राइट द फंक्शन प्लॉट, इसमें द वेरी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विच वी गिव इज द एक्स कोऑर्डिनेट्स, जो भी आपको एक्स एक्सिस से प्लॉट करना है उसका आप कोऑर्डिनेट्स देते हो, राइट। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक्स एक्सिस पे सेपल लेंथ प्लॉट करना है, सो व्हाट विल बी माय कोऑर्डिनेट्स, 7.1, 4.9, 4.9, सो दीज विल बी द कोऑर्डिनेट्स आपका एक्स एक्सिस का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयरिश डॉलर सेपल लेंथ, ठीक है। नाउ कम्स द वाई एक्सिस, अगेन सेपल विथ मुझे वाई एक्सिस से प्लॉट करना है, तो आप कोऑर्डिनेट्स होगे 3.53, ये सब आप इसका इसका इनपुट से दोगे सारा, आयरिश डॉलो सेपल।
ठीक है, सेपल लेंथ प्लॉट हो गया, सेपल विड्थ। अब इसको रन करें, कुछ और एक बार के लिए नहीं पास करते। यहाँ पे और भी आर्ग्यूमेंट्स है, जैसे कि टाइप में आपको पॉइंट्स चाहिए या फिर लाइंस चाहिए या फिर आपको बोथ चाहिए। एक बारी के लिए कुछ नहीं करते हैं, खाली नॉर्मली रन करते हैं। द मोमेंट वी रन दिस, देखो क्या आया, आयरिश सेपल लेंथ इधर प्लॉट हो गया एंड इधर सेपल विड्थ। तो सपोज पहला पॉइंट इज 5.1 एंड 3.5, समवेयर अराउंड 5.1 एंड 3.5, कुछ इधर समवेयर यहाँ पे आपका वो पॉइंट है। सो ऐसे करके आपको कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, कितने सारे सारे पॉइंट्स मिल गए हमें, जितने भी यहाँ पे डेटा दिए हुए, जितने भी डेटा वैल्यूज है, 150 150 रोज है, देख लो 150 रोज है, यहाँ पे हमें 150 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट द बेसिक प्लॉटिंग। अब यहाँ पे और क्या था, अब इसके साथ देर आर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स विच वी कैन गिव, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। आज हम लोग खाली 6-7 आर्ग्यूमेंट्स समझते हैं, दीज विल बी द बेसिक आर्ग्यूमेंट्स जो आपको हर जगह यूज मोस्टली करना पड़ेगा। एंड मैं आपको समझा भी दूंगी कि बाकी आर्ग्यूमेंट्स कैसे खुद से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो टाइप बाय डिफॉल्ट पहला आया है, पॉइंट्स आया, ठीक है, तो अपने आप यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिल गया। अब मुझे कुछ और करना होता, क्योंकि यहाँ पे आप लाइंस अगर बनाओगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सारे मिल जाएंगे। देख लेते हैं करके, टाइप इक्वल टू, अगर मुझे लाइन चाहिए, अगर मुझे लाइन चाहिए सो व्हाट विल आई राइट यहाँ पे, एल, ठीक है, ऐसे करके हमें एल लिखना पड़ेगा। देखो सारा लाइन सारा पॉइंट्स एक्चुअली ज्वाइन हो गया, सो इट बिकम्स रियली क्लमजी। कोई मतलब नहीं है ऐसे प्लॉट का बना के, कोई मतलब नहीं है, ऑब्वियसली इट्स सेंसलेस। यहाँ पे बी इज फॉर बोथ, मतलब कि आपका पॉइंट्स भी आते हैं एंड लाइंस भी आते हैं, पॉइंट्स भी आ गए एंड सारे लाइंस आपस में ज्वाइन हो गए, ठीक है, सो नो पॉइंट, वी विल कीप इट एज बी ओनली पॉइंट्स। अब इसके साथ देर आर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स विच यू कैन यूज। सबसे पहले तो आप दोगे कॉलम हेडिंग। अब ये आर्ग्यूमेंट्स हम लोग को कहाँ मिलेंगे, हेल्प टैब में जाओ, हेल्प टैब में जाके सर्च करो पार फंक्शन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोग के लिए पार। सो इसमें पार फंक्शन में लाइन से देखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ग्राफिकल पैरामीटर्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इतने सारे हमें आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं विच वी कैन यूज विद इन द प्लॉट फंक्शन। लाइन से ऑल द आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग दे देते हैं व्हेन वी वांट टू क्रिएट, सपोज व्हेन वी वांट टू, ये हमारा प्लॉट था। अब मुझे कॉलम हेडिंग, एक मेरा पूरा टाइटल देना है मुझे चार्ट का, तो उसके लिए द मेन आर्ग्यूमेंट इज मेन ओवरऑल टाइटल ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पे अपने लिख देते हैं मेन, क्या दे दे, आयरिश बेटा, ठीक है, इसको रन करके देखो क्या आता है, कॉलम हेडिंग टाइटल आ गया पूरे चार्ट का। सिमिलरली यू हैव एक्स लैब एंड वाई लैब, एक्स लैब एंड वाई लैब क्या होता है, एक्स एक्सिस को आपको क्या लेबल करना है एंड वाई एक्सिस को आपको क्या लेबल करना है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल आर्ग्यूमेंट है। दे दो एक्स लैब, सेपल लेंथ प्लॉट करा ना हमने, सो सेपल लेंथ, वाई लैब सेपल, सॉरी सेपल विथ हमने प्लॉट करा, सेपल चेंज हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड, मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अपने पीपीटी में डाला है, ठीक है, यहाँ पे देर इज समथिंग कॉल्ड लाइन टाइप। हमारे केस में लाइन टाइप डजेंट वर्क, वो हम आगे देखेंगे। लाइन टाइप यानी कि LTY, अगर हम देखें इधर LTY, देखना देखो, LTY इज बेसिकली अगर आप लाइन बना रहे हो इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स, तो आपको कौन सा लाइन चाहिए, सॉलिड लाइन चाहिए, डैश्ड लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, कैसा लाइन चाहिए, सो यू कैन से दैट इज वेल, ठीक है। देर इज समथिंग कॉल्ड एज PCH विच इज फॉर पॉइंट्स, कि अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स डाल रहे हो तो कैसे टाइप के पॉइंट्स आपको चाहिए,
ठीक है, अगेन इसका न्यूमेरिक्स होता है 1 2 3 ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 20। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट्स पे क्लिक करो, पॉइंट्स इज ऑल्सो अ फंक्शन जो आप लोग बाद में पढ़ोगे, तो यहाँ पे पीसीएच में देखना लाइन से लिखे हुए हैं सारे डिफरेंट वैल्यूज विच आर पॉसिबल। पीसीएच के वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है देखो, 0 से 18 19, 0 से 18 आर एस कंपैटिबल वेक्टर्स। सो ये देखो यहाँ पे लाइन से आपको सारे वैल्यूज गिवन है, कहाँ पे मिलेंगे, पार में जाओ, पीसीएच में जाओ, वहां पे आपको सारा वैल्यूज मिल जाएगा। दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स विच यू कैन क्रिएट। लेट्स सिलेक्ट दिस 20, ठीक है, पीसीएच इक्वल टू 20, ठीक है, इसको रन करें। आ गया, चेंज हो गया, पहले क्या आ रहा था, ये पूरा प्लॉट एरिया में दीज आर द एरोज। अगर आपको पीछे प्लॉट में जाना है दूसरे वाले में, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड आपका ये आ जाएगा। क्लियर कि आपका चेंज हो गया, यू आर गेटिंग दिस स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स यहाँ पे। ओके ओके, सो दिस इज योर बेसिक। नाउ देर आर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स इज वेल, लाइक एल डब्ल्यू डी विच इज लाइन विथ। यहाँ पे अगेन हम लोग पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो इसके लिए नहीं, एक और प्लॉट बनाएंगे अभी हम लोग, जो लाइन प्लॉट बनाएंगे उसमें हम लोग एल टी वाई लाइन टाइप एल डब्ल्यू डी विच इज लाइन विथ तब हम लोग यूज करेंगे। एक और आर्ग्यूमेंट है जो कभी कभार आप लोग देखोगे कि यूज हो रहा है, विच इज योर एल ए एस, एल ए एस दिस। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो नंबर्स है ये टिल्टेड है 2 2.5। अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टल मतलब आपको स्ट्रेट रखना है, 2 को आपको ऐसे स्ट्रेट रखना है, सो यू कैन चेंज दैट यहाँ से देख के। बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सिस। अगर आपको हॉरिजॉन्टल रखना है तो आप 1 डाल दो इधर। सो वी कैन राइट एल ए एस इक्वल टू 1। देखो चेंज हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ये पहले कैसे था, ऐसे था, अभी कैसे है? ठीक है, यू कैन डू दैट एज वेल। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच वी यूज, बेसिक आर्ग्यूमेंट्स विच वी यूज, एंड एक्चुअली दिस कवर्स मोस्ट ऑफ इट। इससे ज्यादा हम जनरली कभी यूज इतना करते हैं नहीं। दिस इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग अ प्लॉट। द अदर वे ऑफ यूजिंग दिस प्लॉट फंक्शन इज, अगर आपको एक फंक्शन प्लॉट करना है, ठीक है, अगर आपको एक फंक्शन प्लॉट करना है तो वो भी आप इस प्लॉट फंक्शन में डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आई थिंक फंक्शन बनाया ना, ये वाला, इस फंक्शन को मैं एक बार ले लेती हूँ, इसको थोड़ा मैं चेंज करूंगी यहाँ पे। सपोज मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लॉट करना है, तो मैंने एक फंक्शन इधर बनाया, ये मैं हटा देती हूँ। सो दिस इज अ फंक्शन विच आई हैव क्रिएटेड एफ, क्या डाले मैंने इसमें एन, एक्सपोनेंशियल एन। नाउ इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, मैंने अपने पीपीटी में डाला है। यू गिव दिस एफ विच इज द फंक्शन, जो भी फंक्शन आप दे रहे हो, दिस कैन बी एनीथिंग। देन आप लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बताते हो, व्हाट आर दीज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। सो मैं इसको डाल रही हूँ F1 में, यहाँ पे मैंने लिखा F1, दिस इज द फंक्शन विच आई वॉन्ट टू प्लॉट। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे मतलब व्हाट विल बी द फर्स्ट वैल्यू ऑफ n, एंड कहाँ पे एंड करेंगे मतलब व्हाट विल बी द लास्ट वैल्यू ऑफ n, वो मुझे बताना है। ठीक है, सो ले लो मेरा फर्स्ट वैल्यू 1 से लेके 5 तक मुझे बनाना है। रन करते हैं, एक लाइन आ रहे, लाइन आ रहे, देख लो एक्स एक्सिस पे क्या आ रहे, 1 से लेके 5, एंड F1 इज बेसिकली अ एक्सपोनेंशियल ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। एक्सपोनेंशियल का कर्व इफ यू रिमेम्बर ऐसा होता था हमेशा, क्लियर है, एक्सपोनेंशियल का कर्व। नाउ इन दिस यू कैन अगेन गिव द टाइटल, यू कैन गिव द कॉलम हेडिंग, यू कैन गिव ऑल ऑफ दोस। मैं आप लोग को थोड़ा कुछ अलग करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे एक लाइन आ रहा है, यहाँ पे अगेन यू कैन चेंज द टाइप, अगेन आप इसको पी कर सकते हो, तो आपका पॉइंट्स आ जाएगा सारा। ऐसे पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑल फॉर ऑल द वैल्यूज, इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग, फॉर ऑल द वैल्यूज आपका एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट हो रहा है। आप बी भी लिख सकते हो विच इज बोथ पॉइंट्स एंड लाइन्स, सो इट बिकम्स अ लिटिल क्लमजी, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा ठीक से, तो इसीलिए इट्स बेटर दैट वी क्रिएट अ लाइन प्लॉट। अब जहां पे हमारा लाइन प्लॉट आया, वी कैन यूज दिस न्यू आर्ग्यूमेंट्स विच इज एल टी वाई लाइन टाइप। कैसे समझेंगे लाइन टाइप कितने सारे होते हैं, यहाँ पे आ जाओ पार में, अगेन देखो यहाँ पे एल टी वाई में यू हैव दीज डिफरेंट काइंड ऑफ लाइन्स विच यू कैन क्रिएट। बाई डिफॉल्ट ये
है सॉलिड एक्स सॉलिड एक्स इक्वल टू टू, ठीक है, डैश लाइन आ गया। यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द लाइन विथ, इसको 3 कर देते हैं, देखो लाइन विथ। यू कैन ऑल्सो इसको 2 रखते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर, अच्छा मैंने कलर यहाँ पे एक नया ऐड किया था, बट यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर COL। ठीक है, यहाँ पे भी कलर चेंज कर सकते थे पॉइंट्स में। क्या हो रहा है ये सब धीरे धीरे करके? प्लॉट फंक्शन विथ टाइम जब और ज्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे और क्लियर होते जाएगा। आई कैन जस्ट टाइप द इंटायर कोड आपको अपने चैट बॉक्स, उसको यूज कर पाओ। मैंने सारा कोड भेज दिया है चैट बॉक्स में फॉर यू ऑल टू यूज। ठीक है, एनीथिंग एल्स क्लियर है? अब देखो आई विल जस्ट नॉट कंप्लीट द इंटायर प्लॉटिंग टुडे, थोड़ा बहुत कल के लिए रखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और चीज हम लोग कर सकते हैं कि इस एग्जिस्टिंग प्लॉट के ऊपर देर इज अ फंक्शन कॉल्ड लाइंस फंक्शन और पॉइंट्स फंक्शन। ये क्या होता है, ये कब यूज होता है? इन ऑर्डर टू सुपर इम्पोज एनी अदर प्लॉट, एनी अदर ग्राफ ऑन द एग्जिस्टिंग प्लॉट। ये आपका प्लॉट फंक्शन से आपका ये प्लॉट बना। अब इसी के ऊपर सपोज आपको एक दूसरा प्लॉट क्रिएट करना है, ठीक है, सपोज आपको एक दूसरा प्लॉट क्रिएट करना है, सुपर इम्पोज करना है एक और लाइन, तो हम लोग क्या यूज करेंगे उसके लिए, लाइन्स फंक्शन या फिर पॉइंट्स फंक्शन। तो देखो क्या मैं एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करती हूँ यहाँ पे F2, कैसा फंक्शन बना सकते हैं अपने? ओके लेट्स डू वन थिंग, कोई फंक्शन नहीं क्रिएट करते हैं। लाइंस फंक्शन में देखो कैसे डालेंगे। लाइंस फंक्शन में आप एक्स वैल्यूज देते हो और वाई वैल्यूज देते हो, यानी कि एक्स एक्सिस में आपको क्या वैल्यूज प्लॉट करना है एंड वाई एक्सिस पे आपको क्या वैल्यूज प्लॉट करना है, ये आप बताते हो। तो अगर आपको एक्स एक्सिस पे सपोज ऑब्वियसली करंटली 1 से 5 तक की वैल्यूज है, तो हम यही प्लॉट कर सकते हैं, इससे कम ज्यादा नहीं प्लॉट कर सकते। सो एक्स वैल्यूज में आई विल गिव 1 से लेके, या फिर लेट मी डिफाइन अ न्यू ऑब्जेक्ट ओवर हियर, लेट मी डिफाइन अ न्यू ऑब्जेक्ट एक्स वैल, इसमें हम दे देते हैं ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 ऑल द वैल्यूज आ गया। अब इसमें आई विल पुट इन एक्स वैल, समझो क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4, कॉरेस्पॉन्डिंगली वाई एक्सिस में सपोज मुझे इसका स्क्वायर प्लॉट करना है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, या फिर 2 की पावर 3 प्लॉट करना है। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? क्लियर है? इसको रन करते हैं। एक्स वैल नॉट फाउंड, अच्छा मैंने इसको रन एक्स वैल, ओके यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। दिख रहा है ये प्लॉट ब्लैक कलर का जो बना है अभी, सुपर इम्पोज हो गया इस पे। सो दिस वॉज माई ओरिजिनल प्लॉट ब्लू वाला। इसके ऊपर अगर कुछ सुपर इम्पोज करना है, या तो आप पॉइंट्स फंक्शन यूज कर सकते हो, या तो लाइंस। पॉइंट्स यूज करोगे तो पॉइंट्स आएगा, लाइंस यूज करोगे तो लाइंस आएगा। बना लाइन बना, अगेन यू कैन चेंज द कलर विथ वट एवर यू वॉन्ट टू, हम लोग ब्लैक रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? अब आप बताओगे कैसे? नाउ हाउ विल यू, अब यहाँ पे यू कैन गिव द एक्स, अच्छा एक और चीज, अगर आपको एक्स लैब वाई लैब टाइटल ये सब देना है, आपको प्लॉट फंक्शन के अंदर देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द मेन फंक्शन, दिस इज द मेन फंक्शन जिसके अंदर हमने लाइंस यूज करा है। यस और नो? दिस इज द मेन फंक्शन जिसके ऊपर हमने लाइंस को सुपर इम्पोज करा है। तो अगर आपको टाइटल्स देना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, तो आपको इसके अंदर देना पड़ेगा, इसके अंदर नहीं। ठीक है,
तो ये आप लोग खुद से ट्राई करना। अब हम लोग को अगर बताना है, याद है ज्योग्राफी में आप लोग अलग अलग बनाते थे स्टेट्स को एंड फिर एक की बनाते थे जिसमें आप लोग लिखते थे कि व्हाट कलर रिप्रेजेंट्स व्हाट, ब्राउन रिप्रेजेंट माउंटेन्स, ग्रीन रिप्रेजेंट्स लैंड, वो सब क्या थे करते थे बच्चों ने। सो सेम थिंग यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट डज दिस ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट्स एंड व्हाट डज दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंट्स। उसके लिए वी मेक समथिंग कॉल्ड एज लेजेंड। वो जो की बनाते थे उसको हम एक्चुअली लेजेंड बोलते हैं। अब लेजेंड कैसे देते हैं देखो, ये थोड़ा डिफिकल्ट एक बार ही लग सकता है, बट आई विल मेक इट रियली सिंपल फॉर यू ऑल, सो डोंट वरी। सबसे पहले तो यू गिव द पोजिशन ऑफ द लेजेंड कि आपको किधर प्लेस करना है। जनरली दो तरीके से पोजिशन देते हैं, यहाँ पे है एक्स एंड वाई, तो आपको आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मेंशन करते हो। सपोज आपको यहाँ, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट मेंशन करोगे 1 और वाई कोऑर्डिनेट में भी 100, तो वो यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। और अ बेटर वे ऑफ गिविंग इट, पोजिशन दे दो। कैसे पोजिशन देते हैं देखो, रुको मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये कहाँ होता है। सी यू कैन गिव द पोजिशंस, अगर आप थोड़ा नीचे डिटेल्स में जाओ लेजेंड का में, दीज आर द लोकेशंस यू कैन गिव, बॉटम राइट, बॉटम बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट टॉप लेफ्ट एंड ऑल ऑफ दीज। मतलब कि इस पूरे प्लॉट में कहाँ चाहिए, टॉप लेफ्ट, दिस इज टॉप, दिस इज टॉप राइट, दिस इज सेंटर, दिस इज बॉटम, दिस इज बॉटम राइट, दिस इज बॉटम लेफ्ट, ठीक है। ये अलग अलग पोजिशंस है, मुझे देना है टॉप लेफ्ट में, सो आई कैन जस्ट राइट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मुझे मिल गया मेरा टॉप लेफ्ट, ठीक है, ये मेरा पोजिशन है। इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग द एक्स एंड द वाई कोऑर्डिनेट, मैंने सीधा लिख दिया टॉप लेफ्ट। आफ्टर दिस द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू मेंशन इज आपको उसके अंदर क्या चाहिए, लेजेंड का नाम आपको क्या चाहिए, व्हाट इज द एक्सप्रेशन विच यू वॉन्ट। तो इसके अंदर आई विल राइट, लेजेंड इज अ फंक्शन एज वेल एंड इट्स ऑल्सो अ आर्ग्यूमेंट। एक बारी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। पहला हमने बनाया था ब्लू लाइन, तो उसमें हमने डाला था एक्सपोनेंशियल, सी ऑल कैन राइट दिस। दूसरा हमने बनाया है एक्स का क्यूब, तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब, ये आ जाएगा लेजेंड में लिखा हुआ आ जाएगा ये। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आप लोग को कलर डिमार्केशन दिखाना पड़ेगा, दैट दिस इज ब्लू एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ब्लैक, ये दिखाने के लिए कलर, दिस इज ब्लू। क्लियरली बताना, अगर पहले ब्लैक लिख दोगे तो एक्सपोनेंशियल ब्लैक ले लेगा, तो अगर यहाँ पे पहले एक्सपोनेंशियल लिख रहे हो तो उसका कलर बताओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द ऑर्डर, अभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा जस्ट 2 मिनट्स में। कलर बताया, नाउ यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द लाइन टाइप, क्यों, क्योंकि दोनों का लाइन टाइप अलग अलग है। एक का क्या है, इसका डैश्ड लाइन है विच वॉज 2, इफ यू ऑल रिमेम्बर हमने ऊपर में 2 यूज करा है लाइन टाइप, एंड ब्लैक वाले के लिए सॉलिड सॉलिड ब्लैक लाइन, एंड अगर आप लोग को लाइन विथ भी देना है तो 2, क्योंकि दोनों का लाइन विथ मैंने 2 दिया है। एक बारी रन करके देखते हैं, समझो। लेजेंड पोजीशन मेंशन किया मैंने, टॉप लेफ्ट में चाहिए, आप लोग कुछ और भी मेंशन कर सकते थे, टॉप बॉटम राइट ऑल ऑफ दोस। लेजेंड के अंदर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले मैंने लिखा एक्सपोनेंशियल एंड दूसरा मैंने लिखा x^3, ये मैंने प्लॉट किया यहाँ पे x^3, जो भी आपको कुछ भी एक्सप्रेशन देना है यू कैन राइट। देन यू गिव द कलर्स, फर्स्ट आई गिव दिस एज ब्लू एंड दिस आई गिव दिस एज ब्लैक। अगर आप उल्टा लिखते, अगर आप यहाँ पे ब्लैक लिखते तो ये ब्लैक आ जाता, सो डोंट मेक दिस एरर, गलत हो जाएगा पूरा ग्राफ, ठीक है। तो दिस इज ब्लू, तो पहले यहाँ पे ब्लू लिखा, जो यहाँ पे पहले लिखोगे उसी का सब जगह पहले पहले आपको लिखना है। सो दिस इज योर ब्लू, यहाँ पे आपने ब्लू लिखा, एंड देन द लाइन टाइप, इसका लाइन टाइप वॉज डैश्ड, तो मैंने 2 लिख दिया, एंड इसका वॉज अ सॉलिड लाइन विच इज 1। क्लियर है? इसको मैं आप पेस्ट कर देती हूँ इन द चैट बॉक्स फॉर यू ऑल टू यूज। देख लो सब लोग कैसे हमने किया पूरा चीज, व्हाट आर द डिफरेंट वेज
एक प्लॉट में हमने एक्स एक्सिस का बताया वैल्यूज, वाई एक्सिस का बताया, दीज आर द सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट्स विच वी यूज, ठीक है। देन अगर आपको फंक्शन प्लॉट करना है तो फंक्शन दे दो, फंक्शन का नाम, गिव द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट, एंड देन दीज आर द अगेन द सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट्स। एक प्लॉट के ऊपर अगर कुछ सुपर इम्पोज करना है यू विल यूज लाइन्स और पॉइंट्स फंक्शन। अगर प्लॉट फंक्शन वापस यूज करोगे तो एक नया से प्लॉट बन जाएगा। सुपर इम्पोज करने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, लाइन्स या फिर पॉइंट्स। तो लाइन्स यूज करके मैंने ये वैल्यूज बताया, एक्स एक्सिस पे क्या डाल जाएगा, वाई एक्सिस पे। इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट वी क्रिएटेड अ लेजेंड। क्लियर है सबको? क्लियर है? एक बार इसको गो थ्रू कर लो आराम से। सो इन माई नेक्स्ट क्लास, अभी हमारा प्लॉटिंग खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा बच गया, वो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, बिकॉज आई डो नॉट वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ कंटेंट इन वन डे। आप लोगों का फेस देख के समझ आ जाता है। सो फॉर टुमारो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ प्लॉटिंग, मे बी 15 मिनट्स, एंड देन लूपिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, मे बी फॉर 40 मिनट्स में हमारा लूपिंग वाला चीज भी खत्म हो जाएगा। ये वाला एक बार गो थ्रू करके मुझसे पूछो कोई डाउट है तो। मैम यस मैम, जो अप्लाई फंक्शन हमने किया था उसमें आंसर किस फॉर्म में आता है? हमेशा वेक्टर्स में ही आता है? जो आप डालोगे, नहीं हमेशा वेक्टर्स में नहीं आता है, जनरली वेक्टर्स में आता है, बट सी अप्लाई फंक्शन में यू गेट अ वेक्टर लिस्ट और एरे, ओके ठीक है। एनीथिंग एल्स? यस विन, मैम, हम बोल रहा था कि हमने जो पहले कॉलम का पोजीशन जानना, तो एक से ज्यादा अगर कॉलम का पोजीशन जानना हो तो क्या करना पड़ेगा? विच फंक्शन? अच्छा, एक से ज्यादा कॉलम का पोजीशन जानना है तो यस यहाँ मैम, पे सिंपली ये यूज करो, कहाँ गया विच फंक्शन हमारा, रुक जाओ मैं दिखा देती हूँ। ये है हमारा, यहाँ पे मैंने ये यूज करा है, ये वाला, सॉरी ये यूज करा है मैंने। यस मैम, अब यहाँ पे ये डाल दो वेक्टर, मैंने ऐसे ट्राई किया था, नहीं हुआ मेरे से। नहीं हुआ क्या? रुको देखने तो मुझे, नहीं ऐसे नहीं होगा। वन सेकेंड, मैं बता रही हूँ ऐसे क्यों नहीं होगा। वन सेकेंड, कहाँ गया? अच्छा सॉरी, ये वाला ब्रैकेट नहीं है, ये वाला है। लेट अस ट्राई, देखते हैं होगा कि नहीं। जीरो डीएफ में क्या है? हाँ ये आ रहे क्या, जीरो आ रहे क्या, इंटीजर जीरो आ रहे क्या? यस मैम, मैं बता रही हूँ क्यों। मैंने शायद एक और बार बताया था कि इसके लिए हमें इन ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, ठीक है। इन ऑपरेटर अभी तक हमने सीखा नहीं, एक्चुअली हम लोग इसके लिए इन ऑपरेटर यूज करते हैं। आ गया। ओके थैंक यू। एक्चुअली सी क्या होता क्या है समझो, आप लोग कर सकते हो ये, बट मैं सिखा देती हूँ। इट्स समथिंग, इट्स वेरी सिंपल, कुछ है नहीं एक्चुअली, इसमें हमने करा नहीं अभी तक, इसीलिए मैंने बतानी। सो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है समझना, क्योंकि जब आप इक्वल टू यूज कर रहे हो सो इट गेट्स इक्वेटेड टू ओनली सिंगल वैल्यू। जब आपको एक से ज्यादा वैल्यूज देना है, एक वेक्टर देना है, सो यू विल हैव, यू कैन नॉट जस्ट गिव इक्वल टू, आपको ये इन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि नेम्स डी एफ इन ऑल ऑफ दीज वेक्टर्स, दिस वेक्टर का वैल्यूज, तो इट विल सर्च फॉर जेंडर। मतलब इन ऑपरेटर इज बेसिकली ये सर्च करो इन दिस वेक्टर, ये वाला चीज को सर्च करो इन दिस वेक्टर। अगर आप इन ऑपरेटर यहाँ पे देखो, आई होप यहाँ पे आए, बेसिकली इन ऑपरेटर होता क्या है देखना, इज अ मोर इंट्यूटिव इंटरफेस एज अ बाइनरी ऑपरेटर विच रिटर्न्स अ लॉजिकल वेक्टर इंडिकेटिंग इफ देयर इज अ मैच और नॉट। मतलब कि ये पूरा आपका एक वेक्टर है एंड आपका आउटपुट भी एक वेक्टर के फॉर्म में आता है, स्टेटिंग वेदर देयर इज अ मैच और नॉट, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा ऐसे यूज करते हैं तो वी यूज दिस इन ऑपरेटर। क्लियर है? सपोज एक्स इन अ टेबल,
This table can be vector or anything. Is it clear to everyone this way? Yes, ma'am. Okay, great. Anything else? Ma'am, lines or points function same hai kya? Matlab हाँ, basic difference. just everything is same, just that lines में lines आएगा, points में points आएगा. Everything else is same. प्लॉट को दो तरीके से यूज कर सकते हो. प्लॉट फंक्शन को एक फंक्शन देके लोअर लिमिट अपर लिमिट दे सकते हो, या फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे सकते हो. एंड लाइंस में, पॉइंट्स में हमेशा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वैल्यूज देके कर सकते हो. एनीथिंग एल्स? मैम मैम, कैन यू एक्सप्लेन लेजेंड्स वंस अगेन? देखो लेजेंड में क्या होता है, लेजेंड में क्या होता है, यू मेंशन द पोस्ट. लेजेंड इज बेसिकली की बना रहे हो, तो पूरा एक्सप्लिसिटली बनाना पड़ता है. आर को आप आर अपने आप नहीं बनाएगा, यू हैव टू स्पेसिफाई एवरीथिंग. सो फर्स्ट यू गिव द पोजिशन, जो भी जहाँ पे भी आपको बनाना है. देन यू गिव कि आपको टेक्स्ट में क्या चाहिए. मुझे चाहिए एक्सपोनेंशियल एंड एक्स क्यूब, जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ पे आएगा जो भी. देन यू ऑल्सो हैव टू गिव द कलर्स. ये वाला जो इसका कलर है, कलर देना पड़ेगा. इसका ब्लू था, इसका ब्लैक था. सो ऑलवेज मेक श्योर कि ये वाला एंड ये वाला सेम जगह पे हो. लाइक अगर आप एक्सपोनेंशियल लिख रहे हो तो उसके नीचे अगर आप ब्लैक लिख दोगे तो एक्सपोनेंशियल वाला चीज ब्लैक में आ जाएगा, गलत हो जाएगा. सो मेक श्योर दिस इज ऑल्सो सेम. देन आपका आता है लाइन टाइप. आपने जैसे जैसे किया, अगर आपने यहाँ पे लाइन टाइप चेंज किया है तब दोगे, वरना नहीं दोगे. हमने चेंज किया, हमने इसको टू रखा, इसको वन रखा है. सो अगेन दिस इज टू, दिस इज वन. लाइन विथ दोनों का सेम है तो मैंने दोनों के लिए टू लिख दिया. मैंने सी फंक्शन यूज नहीं करा था, सीधा टू लिख दिया, मतलब कि दोनों के लिए टू. ठीक है? तो मैं यस मैम MWD यूज करना कंपलसरी है? नहीं, अगर कंपलसरी नहीं दोनों का है सेम है तो भी? तो कोई नहीं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. देख लो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि तो मैंने यहाँ पे यूज करा है इसीलिए मैंने इधर लिख दिया. ठीक है? यस मैम, बोल रहा था कि मैम उसमें जेंडर पहले लिखा हुआ है पर उसमें कॉलम नंबर वन दिखा रहा है मैम, ऐसे कि मैम आपने सी फंक्शन में जेंडर कमांड नेम दिया ना तो जेंडर वन दिखा रहे हैं। हाँ, ऐसा क्यों दिखा रहे हैं मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसीलिए मैंने इन ऑपरेशन नहीं करवाया अभी तक. इसका एक्चुअली इसमें ट्रू फॉल्स आता है. ठीक है? तो इसका मतलब है अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे वन एंड टू आ गया. यहाँ पे आपको पोजिशन नहीं मिलेगा. दिस इन ऑपरेटर देखो, हेल्प टैब में समझो. इन ऑपरेटर क्या होता है, इट इज अ इंट्यूटिव इंटरफेस. प्लीज म्यूट करो. इट इज अ इंट्यूटिव इंटरफेस विच रिटर्न्स अ लॉजिकल वेक्टर. यानी कि इसमें खाली वन टू का ये मीनिंग है कि जेंडर भी एग्जिस्ट करता है नेम्स में, ये भी एग्जिस्ट करता है नेम्स में. दैट इज वॉट इट मीन्स. बस इसका यही मीनिंग है. अगर हम इसको रन करें पूरे को, देखो क्या आ रहा है, ट्रू और ट्रू आ रहा है. मतलब ये एग्जिस्ट करता है इसमें, दैट इज वॉट इट मीन्स. पोजिशन आप नहीं निकाल पाओगे ऐसे करके. मैम तो फिर और कोई वे नहीं है इसका? दो दो में एक से ज्यादा अगर पोजीशन निकालना है अपने को? ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके, सो टुमारो आई विल कंप्लीट द प्लॉट्स जो थोड़े बहुत बचे हैं. एकदम थोड़े, एक एक ही प्लॉट बचा आई थिंक, एज फार एज आई रिमेम्बर. हिस्ट मुझे फंक्शन सिखाना है, एंड देन वी मूव टू लूपिंग, एंड एट द एंड वी विल सॉल्व अ वेरी गुड असाइनमेंट आई हैव मेड फॉर यू ऑल. थोड़ा उसका उसके बारे में बता दूंगी, एंड वो आप लोग को आई विल गिव टाइम टू सॉल्व इट विद इन द क्लास, एंड आई विल लेट यू नो द टाइमिंग इन समथिंग. ओके, बाय.